माइंड में, हमने अपना माइंडसेट बदलना है, हमने अपनी सोच को बदलना है। और हमारा मकसद क्या है, हमने लोगों की सोच को बदलना है, उनको बताना है लाइफ के अंदर पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे जो चीजें हमें स्कूल के अंदर अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, साइंस, कुकिंग, ड्राइंग बताई गई है, लेकिन कभी स्कूल के अंदर हमें एजुकेशन के साथ साथ इन्वेस्टिंग बताई गई है? क्या आपने स्कूल कॉलेज में इन्वेस्टिंग सीखी है? बताइए मुझे, अगर सीखी है तो हमें बताइए एक, अगर नहीं तो दो। अगर स्कूल कॉलेज में हमें इन्वेस्टिंग के बारे में बताया जाए, हमें बताया जाता है कि दोस्तों लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर अकाउंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, कुकिंग, ड्राइंग जुड़ी है, साथ में इन्वेस्टिंग भी जुड़ी है, क्या हमें स्कूल में बताया जाता है? नहीं बताया जाता दोस्तों, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के जितने भी स्कूल, स्टडी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की है, आज तक कभी किसी स्कूल कॉलेज ने मुझे ये नहीं बताया कि लाइफ में पैसा कमाना कितना ईजी है, पैसे के साथ साथ मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है। और इस चीज को लेते हुए हमने इस एवोल्यूशन में अपना भागीदार दिया है। और मेरे साथ साथ पूरे 14 लाख मेंबर जो कंपनी से जुड़े हैं, वो भी अपने साथ इस कारवा में शामिल हो चुके हैं। आप भी उनमें से एक हैं जो हमारे साथ इस एवोल्यूशन को दुनिया में पहुंचाएंगे। और दोस्तों, जहां कहते हैं ना, जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती कभी नहीं आती, और जहां सरस्वती होती है लक्ष्मी वहां आती है 100%। और जब सरस्वती, लक्ष्मी और जब जहां दोनों होंगी, तो अपने आप ही आपके घर में खुशियों का बिहार आएगा, और आप लाइफ में आपको वो सपने साकार होंगे जिसकी आप कल्पना करते थे। क्या आपके सपने बड़े हैं? अगर आपके सपने बड़े हैं तो प्लीज प्रेस एक दबाइए। अगर सपने छोटे हैं, लीव इट। अगर सपने, सबके सपने बिग सपने हैं, ऐसे सपने जो कभी आपके पूरे नहीं हुए, लेकिन आप एक उम्मीद से जानते हैं कि इस कंपनी में, इस एवोल्यूशन में, इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के अंदर आपके सपने पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज एक दबाइए कि आपको लगता है, आपकी सोच कहती है कि इसके अंदर हमारे सपने पूरे होंगे। क्या बात है लीडर्स, एक दबाने में इतना टाइम लगा रहे हो, सपने कैसे पूरे करेंगे? लाइफ में ट्रेन एक बार आती है, ऑपर्चुनिटी एक बार आती है, दोबारा दोबारा नहीं आती दोस्तों। इस ऑपर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि सितंबर के बाद इस ऑपर्चुनिटी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, फिर देखते रह जाएंगे आप भी। आप वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। शुरू करने से पहले आप सब लीडर्स को एक चीज बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक शॉर्ट वर्ड्स है, EIP, MLCI, NCRU। ये वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी प्रेजेंटेशन के दौरान हम इसको वर्ड को यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको पता हो। तो जिनको नहीं पता तो वो अपना लिख सकते हैं, EIP का मतलब एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, MLCI मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड इज CRU यानी क्रिप्टो यूनिट इंटरनल पॉइंट ऑफ टोकन डिजिटल स्टॉक एनालॉग। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कंप्लायंस एंड रिस्क एंड डिस्क्लेमर। आज जो चीज बता रहा हूं उसको प्लीज नोट कर दीजिए, भूलिए मत, क्योंकि अगर हम ही जो भूल जाएंगे तो हम अपनी लाइन में, अपनी टीम में कैसे बताएंगे? नंबर एक, हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है कि हम शेयर बेच सकें। तो जो लोग हमारी कंपनी जुड़े हैं वो अच्छी तरह समझते हैं हमारी कंपनी का बेस क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास लाइसेंस नहीं है शेयर और टोकन बेचने का। हमारे हर कंट्री के अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बेस पे काम करते हैं। जैसे आप जानते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, एजुकेशन ऐसा माध्यम है जिसे पूरी दुनिया के अंदर अलाउड है। हम उसी के कंट्री के बेस के ऊपर हम वहां अपना कंपनी का सेटअप करते हैं, उस कंट्री के एजुकेशन के बेस पर हम लोगों को एजुकेशन देते हैं। जिस तरीके से हमारी कंपनी में 3 एंट्री पॉइंट्स है आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी बात चर्चा हम करेंगे बाद में। और मोस्ट और सबसे दूसरी बात, जो भी करें आप अपनी ओन डिलिजेंसी एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें कि क्या हम इस कंपनी से फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। अगर लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों सपने आपके हैं, पैसे आपके हैं, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, ना कि मेरा। डिसीजन उसका होना चाहिए जिसने अपने लाइफ के मेहनत की कमाई कहीं लगाता है। तो मैं दोस्तों, जब भी कहीं पैसे लगाते हैं तो प्लीज दिमाग खोलकर, आंखें खोलकर, कान खोलकर सुने सबकी, करें मन की, तभी लाइफ में कामयाब होंगे। जब लोगों की बात मान के पैसा लगाएंगे, हमेशा पछताएंगे और बाद में ये कहेंगे कंपनियां फ्रॉड हुई। नहीं दोस्तों, लेकिन हमारी कंपनी साफ क्लियर कह रही है दोस्तों कि हम आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं, एजुकेशन में क्या क्या मिलने वाला वो आपको आने वाले स्लाइड में दे रहे हैं। तो बने रहे नेक्स्ट स्लाइड के साथ साथ। अगर ये कंप्लायंस इस सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1 दबाइए।
वेरी गुड, यानी कि आप सबको पता है कि हम किस कंपनी में किस बेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर लीडर्स अगर हमें डुप्लीकेशन अगर जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ अगर उसी इन्फॉर्मेशन को आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे लाइफ के अंदर, तो हमारा जो ट्यूजडे और थर्सडे का सेशन होता है वो बेकार है मेरे लिए भी। और मैं चाहता हूँ कि हम सब 100% अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन और साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड साथ में डुप्लीकेशन हम अपने रियल लाइफ में बनाए, ताकि हमारे साथ हमारे लोग जो जुड़े तो एक सोच से जुड़े, क्योंकि हर इंसान का सपना होता है अपनी फैमिली को हैप्पी लाइफ देने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए। वो ये चाहता है दुनिया घूमू जहां में पैसे की तंगी है, और हर कोई चाहता है पैसे विन करने के लिए, लेकिन वो कैसे सिद्ध होगा जब हम सबको अपनी कंपनी के हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं चाहता हूँ हमारे सब के सब दोस्त सब के सब लीडर्स हर चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, ना कि कब कोई कल को ये कहें हमारे डाउनलाइन हमारे अपलाइन हमारे क्रॉसलाइन हम ये कहा ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे ये चीजें नहीं सुनने चाहिए फ्यूचर के अंदर, क्योंकि सपने मेरे हैं तो सपने साकार करने के लिए मेहनत भी मुझे करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आप भी मेरे साथ रेडी होंगे मेहनत करने के लिए और अपने सपनों को सच करने के लिए, लेकिन खुद का माइंड यूज करके। क्या रेडी है आप? अगर रेडी है तो प्लीज एक दबाए मेरे साथ अपने सपने साकार करने के लिए। दोस्तों प्लस वन दबाना इजी है, लेकिन इस पे काम करने के लिए रेडी रहना। मैं वो खुद देख रहा हूं, मैं सबके नाम नोट कर रहा हूं, सबकी वीडियो बन रही है, सबकी ऑडियो बन रही है, सब कुछ ऑनलाइन क्लियर हो रहा है। कल को मैं खुद पूछूंगा कि जब मैंने सेशन शुरू किया था तब आपने क्या सीखा मुझसे। धन्यवाद, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। जो लोग जो लोग मुझे नहीं जानते, जो आज फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन को सुनने आ रहे हैं और देखने आ रहे हैं, मैं उनको छोटी सी अपनी खुद की एक इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम हरविंदर सिंह है उर्फ हैरी है। मोस्टली लोग मुझे हैरी से नाम से जानते हैं, क्योंकि जो निक नेम हरविंदर सिंह और हैरी, असली नाम जो मेरे माँ बाप का नाम दिया था मुझे दिया था हरविंदर सिंह, और हैरी बना दिया मैं यूरोप में। अब जो हरविंदर सिंह इंडिया में था, जब हरविंदर सिंह अपने लाइफ के 2001 में वहां पर आया यूरोप के अंदर, तब यहाँ आके बन गया मैं हैरी। अब जब 16 साल की लाइफ कंप्लीट करने के बावजूद जब मैंने आज 3 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया, कंपनी ज्वाइन करने के बाद इनकी एजुकेशन, तब मुझे बना दिया गया हरविंदर सिंह हैरी। यानी अब ना मैं घर का हूं ना घाट का, यानी ना मैं इंडियन हूं ना मैं इटालियन हूं। अब दोस्तों आज से मेरा नाम है हरविंदर हैरी, और मोस्टली लोग मुझे हरविंदर हैरी के नाम जानते हैं, इवन फेसबुक के लोग। और सबसे बड़ी बात यह है आज मैं रिप्रेजेंटेटिव प्रेजिडेंट काउंसिल का मेंबर हूं, न्यू कंज्यूमरी कमिटी पार्टनर मेरा प्रेजिडेंट रैंक है, सर्टिफाइड मास्टर प्रॉफिट कोच एंड जीरो फ्रेंड्स होस्टिंग है, क्योंकि मैं सब कोर्सेज कंपनी जितने भी कंपनी कोर्सेज आते हैं वो मैंने कम से कम 1-2-3 बारी कर चुका हूं, क्योंकि जैसे मैं हरिंदर सिंह हूँ कहते ना जिम्मेदार से जुड़ा इंसान हूँ, तो एक बार भेजे बाद भी घुसती, तो इसको मैं करने से लिए मैं 1-2-3 बार कोर्स करने पड़ते ताकि मेरे भेजे में घुस सके, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत मोटा है, उसको स्टडी करने के लिए मुझे 2-3 कोर्सेज करने पड़ते लगातार ताकि इस चीज को समझ सकूं। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं मेंबर ऑफ वर्ल्ड जर्नल ऑफिस एसोसिएशन का मेंबर हूँ, और कंपनी लीडर इन इंडिया, तो जिस तरीके से कंपनी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इंडिया का बाहर मेरे कंधों पर डाल रखा है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ये सब आपकी बदौलत मिली है। इसके लिए दोस्तों सब हिंदुस्तान लीडर्स को और सब उन लीडर्स का जिन्होंने इस लाइफ की जर्नी में मेरा हेल्प किया और काम जो दिया, उन सबको दिल से धन्यवाद और सबको सलूट करता हूं इस चीजों के लिए कि जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी आज दिलाई। आज आपकी बदौलत हरविंदर सिंह हैरी इंडिया का डायरेक्टर बन चुका है, लेकिन आपकी बदौलत, इसलिए सबको नमस्ते और तन मन धन से आपका शुक्रिया करता हैरी। सबसे बड़ी बात एंटरप्रेन्योर स्पीकर, साथ में प्रोफेशनल इन्वेस्टर हूं, क्योंकि प्रोफेशनल इन्वेस्टर कहां से चीज सीखी मैंने, ये चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये चीज मुझे सिखाई गई इस कंपनी ने। आज जो मैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर के रूप में आपके सामने आया हूं, और जो पैसिव इनकम मुझे फ्यूचर में मिल रही है, मंथली मेरे घर में पैसिव इनकम आ रही है, वो कहां से आई, इस स्कूल एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से आई। क्या आप लेना चाहते हैं मेरे साथ इस पैसिव इनकम को? अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज प्रेस एक दबाए। वेरी गुड, यानी सबके सब लीडर इस समय रेडी हैं कंपनी की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन लेने के लिए। दोस्तों मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको ओनली इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आपको करने पड़ेगा अपने रियल लाइफ के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आज का हमारा एजेंडा क्या है, मीटिंग प्रोग्राम्स क्या हमारे पार्ट ऑफ मीटिंग। नंबर फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट थिंकिंग। लाइफ के अंदर हमें अपने कंज्यूमर थिंकिंग से निकल के इन्वेस्टमेंट थिंकिंग आना पड़ेगा, और कैसे आएंगे वो आपको मैं बताऊंगा इस आने वाले सेशन के साथ। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग के अंदर हम क्या बताएंगे आपको,
अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग के बारे में, एपीआई क्या है, रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर सेकंड वीआईपी क्लब, वीआईपी क्लब में क्या इंपॉर्टेंस है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है और बोनसेस क्या मिलने वाले हैं आपको वीआईपी क्लब के थ्रू, ग्लोबल सीएल पोर्टफोलियो के आप मेंबर बनेंगे वीआईपी क्लब के थ्रू, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नंबर 03 यानी मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, ऐसा मिक्सचर जो हमने एमएलएम और हम अपने क्राउड के साथ एक नया मिक्सचर आजाद किया जिसका नाम है एमएलसीआई बिजनेस। और जो जो लीडर एमएलसी के बारे में जानते हैं वो मैं पूछता हूं एमएलसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बताएंगे दोस्तों एमएलसी का फुल फॉर्म क्या है, MLCI का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा लीडर्स चैट के अंदर, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, मल्टी लेवल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड जॉब लीडर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। और साथ में आपको दिया जाएगा बिजनेस ट्रेनिंग। नंबर फोर्थ, व्हाट इज न्यू, न्यू क्या है, इसका मकसद क्या है, हमारी कंपनी का विजन मिशन क्या है, हमारी कंपनी आपकी कंपनी यानी हम सब का, हम सब की कंपनी का जो इसके ऑलरेडी एक मेंबर है उनका सपना क्या है, इस सपने को हम बताएंगे आपको आने वाली स्लाइड्स के अंदर। और सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब से कंपनी ने ट्यूसडे यानी मंगलवार और बृहस्पतिवार यानी ट्यूसडे एंड थर्सडे को, वीरवार को कंपनी आपको दो दिन यानी कंपनी आपको दो दिन एजुकेशन देती है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, और ये पूरे वर्ल्ड में होता है ना कि केवल हमारे हिंदुस्तान हिंदी लैंग्वेज होता है, ये कम से कम 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वर्ल्ड के 150 कंट्रीज के अंदर इसे बताया जाता है। लेकिन किस दिन, यानी जब आपकी टीम जनवरी में बनती है, जब आपकी टीम कहीं अरब में बनती है, जब आपकी टीम कहीं अमेरिका में बनती है, जब आपकी टीम कहीं ऑस्ट्रेलिया में बनती है, तब आपको माइंड में ये सेट होगा मुझे इस कंपनी ज्ञान कम है, क्यों ना इसको मैं ट्यूसडे की और थर्सडे की मीटिंग के अंदर ज्वाइन कराऊं ताकि उसे हमारा कंपनी का क्लियर कंसेप्ट हो सके, इससे बड़ी क्या चीज होगी। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपने क्या करना है, आपने केवल जिसके पास टाइम नहीं है, जैसे आज मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने क्या किया, भाई देख टेक इट ट्यूसडे को हमारी कंपनी के बेसिक एजुकेशन है, यानी ट्यूसडे को 8 बजे इंडियन टाइम और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, वो आप टाइमिंग जोन चेक कर सकते हैं, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर एपीए के बारे में बताया जाता है। जैसे आज आपको मैं हिंदी बता रहा हूँ, वो अपनी लैंग्वेज के अंदर, कोई वियतनामी लैंग्वेज में बता रहा है, कोई अपने इंग्लिश में बता रहा है, कोई अपने उर्दू में बता रहा है, कोई अपने मलयालम में बता रहा है, हर की लैंग्वेज के अंदर हमारे ये सेशन हो रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी, यानी हमें कुछ नहीं करना, बस एक सेशन के माध्यम से हमने उनको एक लिंक सेंड करना है, उनको ये करना है ज्वाइन कीजिए। क्या आपने कभी इसका एडवांटेज लिया है, कभी किसी लीडर ने जब से कंपनी मीटिंग स्टार्ट की है ट्यूसडे और थर्सडे को किन किन लीडर्स ने इसका एडवांटेज लिया और फायदा लिया, तो जिन्हें लीडर ने फायदा लिया प्लीज एक दबाएंगे इस एजुकेशन का घर बैठे। सर क्वेश्चन है, आंसर आपको मैं एंड बताऊंगा, एमएलसीआई एमएलएम के डिफरेंस, डोंट वरी सर। ओके, यानी आप सब ने हमारी कंपनी से जो ट्यूसडे थर्सडे से फायदा लिए, यानी आपका टाइम बचा, यानी आप घर बैठे एक अपने अर्निंग सोर्स कर रहे हैं एक लिंक से थ्रू, मैं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं भाई जर्मनी में, जैसे जर्मन ड्यूच लैंग चलती है, इटली में इटालियन चलती है, आपका माइंड सेट भी ट्यूसडे को इटालियन के अंदर भी हमारा सेशन होता है, ट्यूसडे को जर्मनी में हमारा सेशन होता है, ट्यूसडे को हमारा ऑस्ट्रेलिया में होता है, इससे बड़ी बात क्या होगी। ट्यूसडे थर्सडे दो दिन प्रोफेशनल यानी कंट्री बेस के ऊपर, कंपनी बेस के ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी कंपनी के ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं, तो प्लीज इसका मौका उठाइए और फायदा उठाइए जो आपको घर बैठे फ्री कॉस्ट में चीजें मिल रही हैं, ये मौके बार बार नहीं मिलते। आज हम बेबी स्टेप के अंदर है तो हमारे साथ रहिए, बन के रहिए कि फ्यूचर में जब हम बड़े हो जाएंगे तब पछताएंगे, तो दोस्तों चॉइस आपकी है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है, कईयों के दिमाग में ये आता है कंपनी है क्या, और आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ हमारी कंपनी जो इसके अकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं एपीआई की, ये हमारी कंपनी हुई थी 2011 में, इसे बनाने वाले थे अंद्रेय हरातो सर, और जब इन्होंने बनाया तब उस टाइम इनके ओनली 1 लाख से कम मेंबर्स थे जिन्होंने इस एजुकेशन के बेस में अपनी लाइफ जी, लेकिन आज पूरे मोर देन 176 कंट्रीज में 14 लाख, ये तो थोड़ा ओल्ड स्लाइड है, ऑलरेडी हम 14 लाख की नंबर को हम टच कर चुके हैं जो हमारे कंपनी के मेंबर बन चुके हैं, इसका मतलब हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबल हम इस कंपनी के मेंबर हैं, उसे कहते हैं
दोनों हाथों में लड्डू आप खाना चाहेंगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और हम इसके अंदर देते हैं आपको प्रैक्टिकल स्टडीज इन एरियाज ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। हम क्या क्या देंगे इसके अंदर आपको, हर चीज जो आप डिजर्व करते हैं हर चीज इसके अंदर आपको, फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी इसके अंदर, आपको ओनरशिप मिलेगी इसके अंदर, बिजनेस मिलेगा। यानी चारों हाथों में, पांचों हाथों में और दो हाथों में, पांच दस उंगलियों में आपके घी के लड्डू हैं। लेकिन इसे खाने कैसे हैं दोस्तों, धीरे धीरे खाना, ज्यादा खाएंगे डायबिटीज हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। कल को आप ये कहेंगे हैरिसन ने प्रेजेंटेशन दी थी उन्हें शुगर की बीमारी लगा दी। तो दोस्तों सोच समझ खाइए और कैसे खाना माइंड यूज करके। और साथ में आते हैं हम, हमारी कंपनी का 23 ईयर से जितने लोग आपसे एजुकेशन देते हैं वो मोस्टली जिनको प्रैक्टिस है पूरी एजुकेशन के बारे में, जैसे आप अंदाज सर के बारे में जानते हैं, उनका 20 साल प्लस एक 21 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इनको इस चीज के बारे में, वो खुद पर्सनली एजुकेशन देते हैं। और साथ में बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टीचर्स हमारे आपको एजुकेशन देते हैं इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्ट के जरिए, और वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। मुझे लगता है कोई ऐसी कंपनी होगी जो आपको एपीआई एजुकेशन तौर तरीके ट्रिक्स बताती होगी बिजनेस के इस एपीआई के थ्रू। हमें करना क्या क्या पड़ेगा इसके लिए आपको नेक्स्ट स्लाइड बताऊंगा। और हम ऑलरेडी, हमें 9 साल यानी 9 साल का हमें एक्सपीरियंस हो चुका है ग्लोबल ऑनलाइन पोर्टफोलियो का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ रियल स्टडीज, रियल कोचिंग, रियल इंडिविजुअल कोच मेंटरिंग हमारी हेल्प करते हैं। आई थिंक आप सबको भी इस टाइम जो मैराथन 26 के जरिए आपको मेंटर्स, आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स आपकी हेल्प करते होंगे। जिन्होंने मैराथन 26 लिया है तो वो बताएं क्या उनको फायदा हो रहा है कंपनी की एजुकेशन में, अगर हो रहा है तो प्लीज प्रेस 1 कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि आप सब कंपनी की इस तरफ से फायदे ले रहे हैं इस एजुकेशन, इस मेंटर से, इस मैराथन 260 से, क्योंकि ये एजुकेशन ही मेरी लाइफ का एक सिद्धांत था। और इसी लाइफ एजुकेशन ने मेरी लाइफ, मेरा माइंडसेट, देखने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग, हर चीज बदल दी है इस एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ने। और लाइफ के जरिए हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जिन लीडर्स ने नहीं सीखा, जिन्होंने मैराथन 260 नहीं लिया, कोई बात नहीं दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बेहतर मौका है। मंगलवार और वीरवार को प्लीज आप एजुकेशन लें। फिर भी किसी को डाउट्स हो, कभी कुछ हो, तो मेरा पर्सनल नंबर हर ग्रुप्स के अंदर है, तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके आप कंपनी के बारे में हर चीज मुझसे पूछ सकते हैं। 24 घंटे आपके लिए हरिंदर सिंह सेवा में हाजिर है, क्योंकि आज हरिंदर सिंह हैरी जो भी है आपकी बदौलत है। इसका मतलब मैं जो भी हूँ आपकी हूँ और आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों टाइमिंग के हिसाब से लगा लगा, इस टाइम इटली में हूँ और इंडिया में टाइमिंग के फर्क इस हिसाब से बेस लगा। ओके, और मिलते रहेंगे, उसको चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग को लाइफ में हर सिस्टम जो जितने में लोग हैं उनके कंज्यूमर थिंकिंग बन चुकी है। कंज्यूमर थिंकिंग कैसे बन चुकी है, वो लाइफ में यह चीज चाहते हैं कि हम चीज हमें हमें आती जाए, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट थिंकिंग होती है हम जो भी चीज ले ना उसका फायदा क्या है, कभी हमें चीज सोची है। हम हर इंसान का मकसद होता है बाजार में जाए, कोई कपड़ा अच्छा लगा, कोई मोबाइल अच्छा फोन लगा, कुछ हम ले लेते हैं, यानी पैसे हमारे पास है तो उसको वेस्ट करते हैं। कैसे वेस्ट करें, विदाउट एनी सेंस, विदाउट एनी यूज के लिए। कभी सोचा है, इसको कहते हैं कंज्यूमर मेंटेलिटी, यानी हर चीज को हम लेते हैं लेकिन किसी कारण के। अगर उसी कंज्यूमर मेंटेलिटी को हम चेंज करें अपनी इन्वेस्टमेंट थिंकिंग में, आज हमारे पास अगर लाइफ में जेब के अंदर 1,000 रुपए है, ओनली 1,000 कह रहा हूं मैं, अगर 1,000 को हम 10 जगह 100-100 रुपए करके इन्वेस्ट करें, उस 100 को हम बिजनेस ग्राफ के बेस पर, बिजनेस रिस्क और बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अगर हम पैसा इन्वेस्ट करें, तो उसके अंदर फ्यूचर में हमें पैसिव इनकम रूप के अंदर एक हमें अर्निंग आ सकती है, जिसे कहते हैं एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। और उस पैसिव इनकम के जरिए हम अपने रियल लाइफ में यूज करें, यानी आपके पैसे सेफ हैं और आपने उस पैसों से, जो पैसे आपको पैसिव इनकम रूप के मंथली मिल रहे हैं, उस पैसों से अपना गुजारा करें, तो फर्क कहां पर है। वही पैसा के वेस्ट करते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। वही पैसा के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा क्या, आपको एक रियल लाइफ के अंदर पैसिव इनकम मिलती है। उस पैसिव इनकम को आप खर्च कीजिए ना, जो खर्च आपने एक साल पहले करने हैं उसको एक साल बाद कर दीजिए, फर्क क्या है। लेकिन दोस्तों आपकी कैपिटल सेव रहती है और आपके कैपिटल आपके चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे काम करेंगे, तो आपका पैसिव इनकम महीने महीने बढ़ता रहेगा
और जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता है तो उसको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों इसलिए अपने कंज्यूमर मेंटेलिटी को छोड़कर अपने इन्वेस्टमेंट थिंकिंग में, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन है वो हमेशा यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट थिंकिंग को। अब आते हैं नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट थिंकिंग के बारे में। आप में से कितने लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट रॉबर्ट क्यूसकी के बारे में जानते हैं? जो जो जानते हैं प्लीज प्रेस 1 दबाएं, जो नहीं जानते वो प्रेस 2 दबाएं। ओके ओके ओके, देख रहा हूं आज। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ओके, यानी कईयों ने अभी तक रॉबर्ट क्वेस्की की स्टडीज नहीं की, कईयों ने कर रखी है। इट्स ओके दोस्तों, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके कोई बड़ी बात। दोस्तों अगर आपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको सबसे पहले बुक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुक्स एक ऐसा चीज है जिसकी आपका माइंड सोर्स ओपन करती है। बुक्स एक होती है जो हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दी है, नहीं दोस्तों, जो मैं बुक्स की बात करूं जो आपका रियल लाइफ के अंदर आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण रोल अदा करे। जैसे रॉबर्ट क्योसकी ने इस दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा गया है। उन्होंने क्या किया है? वर्किंग, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। और मुझे आप जो लोग क्वाड्रेंट वर्किंग के अंदर आते हैं वो दबाएंगे 1, जो आते हैं एंटरप्रेन्योर के वो दबाएंगे 2, जो आते हैं बिजनेसमैन के अंदर वो दबाएंगे 3, जो आते हैं इन्वेस्टर के अंदर वो दबाएंगे 4। तो मुझे बताइए चैट के अंदर कौन इस टाइम जॉबर है या कौन इस टाइम काम कर रहा है। ओके ओके ओके, 3 बिजनेसमैन, ओके 5, सर 5 तो मैंने कहा ही नहीं सर, 4 है वर्किंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस इन्वेस्टर, यानी वर्किंग 1, एंटरप्रेन्योर 2, बिजनेसमैन 3, इन्वेस्टर 4। मैं चाहता हूँ 4 कॉलम से आप कौन नंबर 1 पे आता है। जो समय ये कहता है मैं इस समय मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं वर्कर हूं, फैक्ट्री में काम करूं कि जॉब कर रहा हूं, 1 और 4, वेरी गुड वेरी गुड, 3 और 4, वेरी गुड, यानी बिजनेसमैन इन्वेस्टर, वेरी गुड। ओके दिव्या 4, वेरी गुड, यानी सुधर 1, वेरी गुड, 3 और 4, 4 4, वेरी गुड वेरी गुड, 1 और 4, सागर मुंडे 1 और 4, वेरी गुड। ओके दोस्तों, आप सबको यहां एक बात क्लियर करना चाहता हूं। दोस्तों लाइफ में सबसे बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलती है? जब हम एक इन्वेस्टर रूप के अंदर आते हैं। और लाइफ के अंदर वर्किंग के अंदर जो लोग जॉब करते हैं उनकी एक रेट राइस की लाइफ चलती है। जिस तरीके से मैंने अपनी 16 साल की लाइफ इटली में जॉब कर कर करके अपनी लाइफ को मैंने महसूस किया है, आई थिंक आज आप भी जो जॉब कर रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं किस तरीके से आप रैट रेस की लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कैसे आपको फ्रीडम नहीं है, आप महसूस कर रहे हैं कैसे कैसे आपको बॉस की बातें माननी पड़ती है, कैसे आप महसूस कर रहे हैं आज पैंडेमिक सिचुएशन के कारण आप डर चुके हैं, कैसे आप डर चुके हैं, क्यों डर चुके हैं? क्योंकि इस टाइम बॉस के पास एक जवाब है, अगर तुझे मेरा काम पसंद नहीं है तो काम बदल ले मेरा का, ये बोलते हैं ना आपको, डरते हैं ना आप। आज इस COVID-19 के कारण, कोरोना के कारण दुनिया में कई लोग डर चुके हैं और कई लोग मजबूरी में काम करें, नहीं कई लोग कम सैलरी में काम करें, यह डर सारी जिंदगी बना रहता है दोस्तों। और जॉब के अंदर कभी किसी गारंटी नहीं है। अगर आप कोई मुझे कोई ऐसा कोई लीडर बताए कि जॉब में गारंटी है, अगर जो लीडर जॉब में गारंटी कहता है 1 दबाए, भी जॉब में गारंटी है कोई, मैं ये कहे जॉब में गारंटी है, जो कहता है जॉब के अंदर गारंटी 1 दबाए, जो कहता है जॉब में गारंटी नहीं है 2 दबाए। वाह रे वाह, इतने सब सियाने हो चुके हो, मान गए सबको लीडर, वेरी कांग्रेचुलेशन यार। यानी आप सब आज मेरी बात सहमत है कि जॉब में गारंटी नहीं है, लेकिन अब हम चलते हैं अपने माइंड सेट को घुराते हैं पीछे। जब हमने स्कूल स्टडी कॉलेज में लाइफ की थी तब हमें हमारे माँ बाप ये कहते हैं बेटे पढ़ लिख के नौकरी कर, कहते थे ना, तब हमें गारंटी दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? क्योंकि वो वक्त और था। आज हम अपने आप को लेके जा रहे हैं दुनिया की 21st century के अंदर, यानी हम अपने आप को नई दुनिया में लेके जा रहे हैं, यानी जिस दुनिया के अंदर काम होगा ओनली रोबोट्स का, यानी जहां बोलबाल होगा ओनली टेक्नोलॉजी का, जहां पर हर चीज चलाई जाएगी एक फोन से, यानी फोन्स के जरिए हम अपना काम कर सकते हैं, वो दुनिया में जा रहे हैं। इसका मतलब जब जॉब के अंदर जो रोबोट्स आएंगे, इसका मतलब जॉब कम होती जाएंगे, जब जॉब कम होती जाएंगे वहां पे होंगे रोबोट्स, यानी जो जो आज जॉब कर रहे हैं कल को खाना कहां से खाएंगे, कभी सोचा है? आज
आज कम से कम 6 महीने के लिए एयर इंडिया ने अपने एम्प्लॉयंस को भेज दिया छुट्टी के लिए, यानी 6 महीने के लिए आपको विदाउट सैलरी आप जा सकते हैं। कभी 6 महीने, कभी आपने महसूस किया दर्द कि उस इंसान फैमिली जो डिपेंड ओनली एयर इंडिया की इनकम पे, एक सैलरी पे डिपेंड है, उसकी लाइफ में क्या भूचाल आ चुका है इस टाइम, वो कैसे डिप्रेशन में चुका है, कभी सोचा है, कभी महसूस किया उस इंसान का दर्द जिसने जॉब होते हुए भी अपनी जिंदगी के स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर डिप्लोमा तक अपने ट्रेनिंग तक कितना पैसा खर्च किया, कितनी मेहनत, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना दिन रात की मेहनत की है, उनको एंड में क्या मिलने, आज क्या मिलने के मिल रहा है, एक पेपर। और यह कहा जा रहा है दोस्तों पैंडेमिक के कारण, कोरोना वायरस के कारण हमारा काम कम हो गया, आई एम सॉरी हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, 6 महीने के लिए आप एंजॉय करें विदाउट सैलरी। क्या एंजॉय करेंगे हम 6 महीने विदाउट सैलरी के लिए, कभी सोचा मालिकों ने? नहीं दोस्तों, यही एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का, और यही चीज मैंने सोचने के लिए आपको मजबूर किया है कि हमारी कंपनी क्या बोलती है, स्टडी इन्वेस्ट एंड प्रोस्पर। यानी मैं ये नहीं कहता आप काम छोड़े, मैं ये नहीं कहता आप जहां जो बिजनेस करें छोड़े, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इस स्लाइड्स के माध्यम से दोस्तों, कंज्यूमर मेंटेलिटी को छोड़कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी के अंदर आए, जिंदगी में अपने 100 रुपए को 10 जगह लगाएं, एक जगह मत लगाना जिंदगी के अंदर। अगर लाइफ में पैसे को एक टूटी की तरह खोलना चाहते हैं, जब चाहते हैं कि पैसिव इनकम के रूप के अंदर एक इनकम सोर्स नहीं, दो इनकम सोर्स, कम से कम 5-10 इनकम सोर्स आपके पास होने चाहिए। और जब भी कोई फैक्ट्री में आपको मालक कहे, जब भी बॉस ये कहे भाई आज काम नहीं है तो 3 महीने छुट्टियां बजाए, तब ये कहना धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट यार, सर जी आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब 3 महीने मैं एंजॉय करूंगा। फिर वो बॉस पूछेगा 3 महीने एंजॉय कैसे करें, मैं तो पैसे दे नहीं रहा। सर आपसे पैसे मांगे किसने हैं, पैसे मांगने किसे हैं, हमारे पैसे जरूर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास इस टाइम 10 इनकम सोर्स है जिससे महीने का खर्चा चल रहा है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड टेक बॉस, टेक केयर, और जब जरूरत हो मैं फोन कर देना, तब 3 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए अमेरिका, कनाडा, मलेशिया विद फैमिली, बाय बाय, टेक केयर। उसके बाद बॉस की आंखें खुली रह जाएंगी, इस इंसान को होकर गया, ये तो पागल हो चुका है, लेकिन पागल को ही लोग हकीकत में बदलते हैं दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी वो दिन लेके जब ये बात कहें भी मैं जोबर हूं लेकिन साथ में पैसिव इनकम भी है, यानी आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलता है। दूसरी बात आती है एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर के अंदर लोग सब कहते हैं मैं एंटरप्रेन्योर, लेकिन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है कि आपके पास गारंटी है, एंटरप्रेन्योर तब तक है जब तक आपके पास आपके साथ लोग जुड़े हैं, आप काम करें, जितने जब तक आपको सुनने के लिए प्रवक्ता है, जो आपके क्लाइंट सुनना चाहते हैं, जितने क्लाइंट खत्म, जो आपके एजुकेशन लेवल खत्म, तब उसके बाद एंटरप्रेन्योर की एक लिमिट सीमा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अपने आप को प्रमोट करना। आज के वक्त में मोस्टली लोग एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योर में जाइए लेकिन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट नॉलेज लेके जाइए, और लोगों को सही बताइए एंटरप्रेन्योर का असली मतलब क्या है। और सबसे बड़ी चीज है बिजनेसमैन इन्वेस्टर, और आप में से ज्यादातर लोग राइट हैंड कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरफ जाना चाहते हैं, यानी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कौन कौन बिजनेसमैन बनना चाहते हैं इस टाइम, कौन कौन ऐसे बिजनेस मैन बनना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूं कौन कौन ये कहना चाहता है, मैं केएफसी के मालिक बनना चाहता हूं, मैं मैकडॉनल्ड का मालिक बनना चाहता हूं, मैं मालिक बिजनेस मैन बनना चाहता हूं। ओके 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 ओके, आप सब बिजनेस मैन बनना चाहते हैं। अब इससे बाद अगर मैं आपसे पूछूं आप बिजनेस मैन बनना चाहते हैं या ओनली इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? वेरी गुड, केक का माना, वेरी गुड, दैट इज अ पॉइंट। मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ मोस्टली लोग मतलब चलो एक तो एक बात हुई है एकेडमिक कॉन्फिडेंस की नंबर 4 पे जाने, लेकिन मोस्टली लोग दुनिया में राइट हैंड सेट को लाइक करते हैं, बिजनेस प्लस इन्वेस्टर, बिजनेस मैन प्लस इन्वेस्टर। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ दोस्तों, आज का वक्त बिजनेस मैन इन्वेस्टर का, यानी बिजनेस भी करेंगे और पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे, यानी दोनों हाथों से आम के आम गुठलियों के दाम की बात करेंगे। लेकिन कैसे करना है, कभी सोचा आपने कहां से, कैसे कुछ चीज सोची आपने? बिजनेस में आप बनना चाहते हैं कहां से बनेंगे, बिजनेस में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं कहां से बनेंगे इन्वेस्टर? क्यों 90% लोगों के पास, दुनिया में 90% लोग आज गरीबी रेशियो नीचे चल रहे हैं, क्यों 10% लोगों के पास पूरा पैसा दुनिया, क्यों?
क्या खासियत है 10% लोगों के पास, 90% लोगों के पास खासियत नहीं है? क्यों 90% लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो बिजनेसमैन नहीं है, वो अमीर नहीं है? इतनी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेहनत कर रहा है, एक कहते ना एक हलवाई वो भी मेहनत कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है, फिर क्यों नहीं वो 10% रेशियो के अंदर आता? कौन से कारण है कि हमें 90% रेशियो के अंदर ही रहते हैं जिंदगी? क्यों हम रैट रेस की तरह वही घूमते रहते हैं? वही घूमना 8 to 5, 8 to 6, 8 to 7 क्यों? कौन से फॉर्मूले हैं जो बिजनेसमैन के पास है हमारे पास नहीं है? इस पे गौर कीजिए। क्यों हर चीज के लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है? इंजीनियर बनने के इंजीनियर करने पड़ती है, आर्मी मैन बनने के आर्मी बन जाए, लॉयर बनने के लिए लॉयर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब आपको पता है हमने बिजनेसमैन बनना है, जब आपको पता है हमें इन्वेस्टर बनना है, तो क्यों नहीं हम इस चीज की एजुकेशन लेते हैं? जब हमें पता है कि हमें बिजनेसमैन बनना है, जब हमें पता है मैंने इन्वेस्टर बनना है, तो क्यों नहीं हम सही एजुकेशन लेते हैं? क्यों ना ट्रिक्स हम लेते हैं बिजनेस के? क्यों नहीं मिलते हमें? दोस्तों इसी फोकस कीजिए। पैसा, मैं खुद कह रहा हूं, पैसा कमाना इजी है, लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई करना हर इंसान की बस की बात नहीं है। और आपको हमारी कंपनी के थ्रू आपको ये चीज बताई जाएगी कैसे पैसे को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, और ये है फाइनेंशियल लिटरेसी जो वर्ल्ड की दिखाई गई है, जो वर्ल्ड के आप देख सकते हैं, जो 71% दिखाई गए ब्लू के अंदर, और नीचे आती है नो डाटा। अब इसमें नो डाटा के अंदर हमारे हिंदुस्तान का नाम भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। हमारे भारत के अंदर भी फाइनेंशियल लिटरेसी है, मैं मानता हूं 100%, लेकिन रेशियो कम है। हमारे लोगों के पास पैसा इतना है ना, अगर आज हर कोई घर घर से घरयानी कहते ना, वो माताएं घर के अपने किचन में से डब्बों छाड़ेंगे ना, जो नोटबंदी हुई थी तब पैकेट थे पहले ना, इतने करोड़ों अरब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना कि हम दुनिया की आधी इकोनॉमी खरीद सकते हैं। इतना हमारे पास गोल्ड है, इतना हमारे पास पैसा है, लेकिन फायदा क्या चीज का? हम फिर भी गरीब की देशों में, फिर भी हम गरीबों के देश में आते हैं, हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। क्यों सबसे ज्यादा गरीबी हमारे देश में ही है? क्यों हमारे लोग ही हिंदुस्तान की छोड़कर बाहर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्यों पढ़ाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है? क्यों हमें पढ़ाई के लिए, डॉलर कमाने के लिए हमें अपना देश छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर हमें बाहर जाना पड़ता है? क्यों हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें वीजे के लिए, फिर एजेंटों के चक्करों में हम लगाते हैं? क्यों हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं? क्यों जब सब कुछ हमारे पास है, क्यों हमें बाहर जाना पड़ता है? क्योंकि हमारा सिस्टम और प्लस हमारा सोचने की शक्ति प्लस हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट टिप्स नहीं है बिजनेस के जो दूसरे देशों में दी जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज वो टाइम आ चुका है, आज इंटरनेट के माध्यम से हम आपको घर बैठे हर चीज ऑनलाइन आपको वो फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी जिसके आप डिजर्व करते हैं। आप में से कौन कौन इस समय ये चाहता है कि घर बैठे मैं डॉलर कमाऊं, घर बैठे मैं पाउंड कमाऊं, घर बैठे मैं स्विस के फ्रैंक कमाऊं, घर बैठे मैं हर चीज चाहूं, मुझे काम ना करें? जो चाहता है प्लीज प्रेस वन दबाए। जो कहता है घर बैठे मुझे हर चीज मिले, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सबके सब चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हर चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप रेडी हैं इस एवोल्यूशन के अंदर? क्या आप तैयार है कि हिंदुस्तान को नंबर वन पर लेके आना है? क्या आप रेडी हैं कि हम अपनी इकोनॉमी के साथ साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी को हम एक कट्ठा लेके आए? और यही मकसद है हमारे अंतराय हकरातो सीईओ का, वो यही चाहता है कि हम दुनिया की 15% से लेकर 25% आबादी को, पॉपुलेशन को हम फाइनेंशियल एजुकेशन दे सके। और उस 25% जो 90% 10% की रेशियो है उसको वो चाहता है कम से कम 90 को नीचे करें, 90 की रेशियो नीचे आए, 10 की रेशियो ऊपर आए, यानी हम 75% और 25% लेके हम चाहते हैं। ये अंतराय का मकसद है, लेकिन जो मेरा मकसद है, मैं ये चाहता हूं आने समय 50-50 हो, लेकिन ये कैसे होगा ये आप सब करेंगे। अंदराज सर ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया, हमारे सीओ ने एक प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन इस चीज को आगे लेके जाना हमारा फर्ज बनता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे वो सेक्रीफाइस, वो चीज ना मतलब कहते हैं ना, वो चीज कमी ना महसूस कर जो कमी हमें महसूस की है। जब भी आप भी अपने महसूस किए, जब भी किसी दुकान पर जाते हैं उसके ऊपर कुछ चीज लेना पसंद करते हैं, कुछ सूट
कभी कोई सूट पसंद आता है, कभी कोई पैंट पसंद आती है, कोई जैकेट पसंद आती है। आप पैसों के लिए पहले प्राइस टैग देखते हैं, कितने का है? 5,000 रुपए का। आप फिर पर्स चेक खोलते हैं, अपने पर्स खोलते हैं, पर्स खोला कितने का है? जेब में तो 4,000 रुपए है, छोड़ ना यार अगली तनख्वाह में ले लूंगा। ऐसी सिचुएशन आई ना, सैक्रिफाइस किया आपने, अपने सपनों को मारा आपने, क्या आपने जो दिल किया वो खाया? नहीं, अपने सैक्रिफाइस किया अपने सपनों, किसके लिए? अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं अपने सपने सिखा, ये सपनों को मैं भूल जाऊं, मेरे सपने कोई बात नहीं, मैं बड़ा हो चुका, अब मैं सपने अपने बच्चों को दूं, बच्चों के सपने पूरे करूं। लेकिन यही तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने सपनों को भी साथ करना है। को लाइफ भगवान ने एक बार दी है, जिंदगी एक बार दी है, हम क्यों ना ऐसा काम करें, मेरे सपने सच हों, मेरे बच्चे के सपने सच हों, और साथ में दोस्तों के सपने सच हों। वो कैसे होंगे? वो पॉसिबल है, आज के युग में पॉसिबल है, लेकिन उस चीज को पॉसिबल करने के लिए मुझे एवोल्यूशन करना पड़ेगा। एवोल्यूशन करेंगे हम सबके, हम कैसे करेंगे? सोच, लोगों बताएंगे पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, क्यों लोग अमीर होते हैं, क्यों लोग करोड़पति बनते हैं, क्यों अमीर बनते हैं, क्यों एक आम आदमी अपने रैट रेस की लाइफ के अंदर जीता रहता है, क्यों हमारी रेशो हमेशा इंडिया की इकोनॉमी कम है, क्यों बाहर के लोगों की सोच ये सोचते हैं कि हम इन देशों में जाकर बिजनेस करें, क्यों? सोचिए कभी दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है, ओनली 5 साल की वेट कीजिए। जिस तरीके से हम एवोल्यूशन, जिस तरह हम लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं घर के जाकर, 5 साल आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान वंस अगेन गोल्डन चिड़िया कहलाएगी, सोने की चिड़िया कहलाएगी दोस्तों। ये मेरा विश्वास है और ये पॉसिबल होगा, 100% होगा, चाहे मुझे पागल है जो मैं लेके होने वाला है, क्योंकि मैं नई जनरेशन सीख चुकी है पैसे को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। और इसके साथ अगर आप इस एवोल्यूशन में, इस रैली के अंदर इस योगदान देंगे हमारे साथ, तो आपका नाम सुनहरे कहते हैं सुनहरे किताबों में लिखा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज वक्त है अपना कल को बदलने के लिए, कल वक्त नहीं मिलेगा आज को बदलने के लिए, फिर कहता हूं चॉइस इज योर्स। अब चलते नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब इस सब का सलूशन है, मैंने जैसे कहा था इस चीज का सलूशन आज हमारी कंपनी के पास है, ये सलूशन हमारी नीव के पास है। और इस सलूशन कैसे मिलेगा आपको? आपको इस सलूशन के अंदर मिलेगा आपके पर्सनल ग्रोथ, यानी सपने आपके सच होंगे, साथ में आपके बच्चों के होंगे, फैमिली के होंगे, साथ में हम आपको देते हैं इन्वेस्टमेंट कोर्सेज कराते हैं, साथ में कराते हैं हम बिजनेस एजुकेशन देते हैं। दोस्तों मुझे ये बताइए कहां ऐसी चीजें मिलती हैं? एक कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने, और यहां पर दोस्तों एक तीर से तीन तीन निशाने लग रहे हैं मेरे पास दोस्तों। तो मुझे ये बताइए अगर जितना पैसा मैंने स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में खर्च किया उसके बाद मुझे गारंटी नहीं मिली, लेकिन हमारे कंपनी के अंदर आपको कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। आपके पास अगर जेब में 100 रुपए हैं, मुझे ये मालूम है जिन जिन लीडर्स ने, जिन जिन दोस्तों ने, जिन जिन बहन भाइयों ने हमारी कंपनी से एजुकेशन ली है, उन इस 100 रुपए को 10 जगह इन्वेस्ट किया होगा। उनका माइंडसेट ये होगा भी ना, इस कंपनी पैसे नहीं डालने मैंने, अगर इस कंपनी में पैसे डाले पैसे में डूब जाएंगे। क्यों डूबेंगे? क्योंकि हमने वो कॉमन सेंस आपको दे दिए। तो आपकी लाइफ में अभी जो भी इस टाइम लाइव देख रहे हैं मेरे सेशन को, तो इस टाइम वो बताएंगे मुझे क्या कभी ऐसा काम हुआ है जब आपके पास 1,000 रुपए हो जेब के अंदर और आपके पास कोई बंदा एमएलएम का पार्ट आया हो, आपको कहा भाई इसमें पैसा डाल, अब इसमें 500 रुपए डाल, कल को तो 1,000 मिल जाएंगे, और आपने कहा होगा नो ऑन द स्पॉट, पहले सोचते होंगे नहीं 500 1,000 दे ले भाई मैं कल सोच के बताऊंगा। लेकिन आज हम क्या पूछते हैं? 10 सवाल पूछते हैं उससे, क्यों? ये सब की सब चीजें आपको एजुकेशन दी हमारी कंपनी है। अगर मेरी बात सहमत है तो एक दबाए, जो लीडर ऑलरेडी ज्वाइन कंपनी के साथ। वेरी गुड। यानी आपके साथ, सबके साथ ये कहानी हुई है, यानी आपके साथ किसी एमएलएम का पार्ट आया, लेकिन एमएलएम को पार्ट ज्वाइन करने से पहले आपने उनसे पूछा है भी इसमें क्या चीज है, कहां की कंपनी है, क्या कर रही है। और कई बार ऐसे लीडर जाते हैं भाई पैसा डाल दे मैं बैठा, टेंशन मत ले मेरे डायरेक्ट लेंगे कंपनी के डायरेक्टर से, मतलब मत टेंशन मत ले, तेरे पैसे 500 के अगले महीने 1,000 रुपए ना हो तो मुझसे जेब से ले लेना, अगले महीने जब 500 के 1,000 ले जाएंगे वो उस बंदे ने कहना भाई कंपनी भाग गई। आपको अगर मेरी आवाज आ रही तो प्लीज एक दबाएंगे, क्योंकि अगर सबको मेरी आवाज और मेरी फोटो सब नजर आ रही है तो एक दबाएं। एवरीथिंग इज क्लियर?
अगर सब क्लियर तो मैं सेशन शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे मैं देख रहा हूँ कि कोई लेडीज कह रहे हैं कि माय इंटरनेट की आवाज ओके बिल्कुल सही, थैंक्स अ लॉट। ओके दोस्तों, जिनके जिनको मेरी आवाज क्लियर नजर नहीं आ रही, अगर मेरे इंटरनेट, इसका मतलब आपके तो इंटरनेट चेक कीजिए इसलिए। तो मेरी तरफ से सब ओके बोल रहे हैं, ओके दोस्तों, ओके ओके, लेट्स डू सेशन। आप सब इंजॉय कर रहे हैं ना, आप बोर तो नहीं हो रहे ना, मुझे बता देना, अगर बोर होंगे तो मैं सेशन छोटा कर दूंगा, अगर बोर नहीं होगा सेशन लंबा चलेगा दोस्तों आज। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, यानी एंजॉय कर रहे हैं सबके सवाल, वेरी गुड, थैंक्स लॉट, धन्यवाद दोस्तों आपका भी और आपका वैल्यूबल टाइम और पेशेंस के आपने मेरे साथ मीटिंग ज्वाइन किए और इस सेशन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, धन्यवाद। ओके दोस्तों, कम टू द पॉइंट, यानी पर्सनल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कोर्सेज एंड बिजनेस एजुकेशन, यानी हम आपको वो हर चीज देंगे जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में की थी, यानी कभी सोचा था कि मैं पढ़ लिख कर नवाब बनूंगा, पढ़ लिख कर मैं अफसर बनूंगा, लेकिन कैसे बनूंगा, उसके सब के सब ट्रिक्स हम आपको देंगे अपनी अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के अंदर। हम आपको वो चीज देंगे जिसकी आप महसूस करते हैं, जो आप सोचते थे, हम आपको हर चीज देंगे, हर चीज वो आपके सपने साकार होंगे, जिस चीज के लिए आपने अपना सेक्रीफाइस दिया, जिसके लिए आपने अपने सपनों को छोड़ दिया। जब भी कहते हैं ना लाइफ के अंदर, मैं आपको कहानी बताता हूँ, मैं जब 2016 जब इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जब मैं रशिया मिन्स में गया, तब मुझे सपने क्या होते पता ही नहीं था। मैं भी एक आम आदमी था, ये सोचता था सपने वो होते हैं जो सपने मैं बच्चे के जमीन लेके दूं, बच्चे को दूसरा घर ला दूं, बच्चे को मैं उसको एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल दूं, बच्चे को मैं गाड़ी दूं, लेकिन कभी अपने सपने को सोचा ही नहीं मैंने आज तक। और इसी चीज को सोचते सोचते मैंने लाइफ के आज में 40 साल की एज प्लस होगी, मुझे ये नहीं पता अगले नेक्स्ट आने समय में कब तक जीऊंगा मैं, मेरे सपने कहां गए, मैं एक किसी के पीछे भाग रहा हूं लेकिन भागने का सेंस ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता जब मैं अपनी जो बच्चा मेरा 20 साल का होगा 25 साल का होगा तब मैं वो सेवा करेगा नहीं करेगा मुझे पता ही नहीं है, लेकिन एक उम्मीद से हम जिंदगी जीते हैं। और ये काम मेरे मेरे दादे परदादे ने सैक्रिफाइस, मेरे दादे ने सैक्रिफाइस किया अपने पोतों के लिए, अपने बेटों के लिए, मेरे पापा ने सैक्रिफाइस किया अपने बेटों के लिए, अब मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं बेटों के लिए, यानी जिंदगी भर ये चेंज चलती रहेगी। क्या आप भी चाहते हैं ये चेंज चलती रहे, भी आप भी सैक्रिफाइस करें? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी उम्र भी बढ़ती जाए बढ़ती जाओ, एक दिन ऐसा है चल भगवान राम नाम सत्य सत श्री अकाल, तो हमारे सपने कब जिएंगे हम? यही चीज मैंने सोची है कि मेरे सपने कब कब पूरे होंगे। हमें इस रूल को बदलना पड़ेगा, हमें इस सोच को तोड़ना पड़ेगा, हमें अपने सपने जीने, यानी मैं भी खुश, मेरे सपने भी खुश, साथ में मेरे बच्चों के खुश सपने भी खुश, मैं बच्चों को जो चाहिए विदाउट प्राइस टैग उसको लेके दूंगा, साथ में अपनी वाइफ को जो चीज चाहती वो लेके दूंगा, लेकिन सबके सपने सच करूंगा मैं, अकेला एक बंदे सपने सच नहीं होंगे, हमारी कंपनी में हर इंसान के सपने सच होंगे। इसलिए मैं कहता दोस्तों, इस कंपनी के अंदर मुझे सोचने मजबूर कर दिया कि हैरी 16 साल तूने इटली में कर क्या किया, तूने क्या किया, रेड रेस की लाइफ जिया जो नॉर्मल लोग करते हैं, 90% लोग करते हैं, वही तूने भी किया। लेकिन दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेके आना चाहता था, मैं चाहता था कि जब एक दिन ऐसा आए जब बेटा ये कहे पापा मैं आपकी तरफ बनना चाहता हूँ, पापा आई एम प्राउड ऑफ यू, पापा मुझे आपने ये चीज दे दी, मैं वो दिन लेके आना चाहता था। और इस सोच से मैं 3 साल 16 साल लाइफ किया, और 3 साल जब कंपनी स्टडी की, जब कंपनी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, तब पता चला इनके पास रियलिटी में सोल्यूशन है, तब पता चला मुझे एपीआई के पास रियली में सोल्यूशन है री, ये सपने मेरे साथ साथ लाखों करोड़ों के लोगों के सपने साकार कर सकता है। इस कंपनी में वो विल पावर है, इस कंपनी वो चीज है जो हमें चाहिए, जो हम ढूंढ रहे थे, जो हमें चाहिए कि मेरे सपने साथ साकार हों, मेरे सपनों के साथ साथ मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली के और मेरे दोस्तों के और मेरे दोस्तों के साथ साथ पूरी मनुष्य जाति का भी भला हो। इस चीज के अंदर इनकम सोल्यूशन है, अंदराज सर ने वो सोल्यूशन दिया हमें, और आई थिंक आप सबको आज महसूस होगा इसके अंदर सोल्यूशन क्या मिला हमें, आज आपको पता चल गया कि हमें इसके अंदर सोल्यूशन है, हमारे सपने सच होने वाले हैं। और कैसे होंगे, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीज उन नए लीडर्स के लिए जो आज फर्स्ट टाइम इस वेबिनार को सुनने जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या देते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, गोल सेटिंग्स प्लानिंग्स
इंप्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, लर्निंग डिफरेंट बिजनेस बिल्डिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी। ये हमारी पहली कंपनी जिसके अंदर आपको ऑल इन वन हर चीज मिलेगी, यानी आपको हर ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी आपको लाइव सेशन दिए जाते हैं, साथ में आपको ऑनलाइन सेशन दिए जाते हैं, साथ में आपको ऑफलाइन सेशन दिए जाते हैं बड़े बड़े लीडर के साथ, और साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के साथ साथ एक गेम है जूनियर फ्रेंड्स, यानी जो ट्रेनिंग एजुकेशन आपने लिया है वो जूनियर फ्रेंड्स के थ्रू आप प्रैक्टिकल आप महसूस करते हैं कि लाइफ पास्ट लाइफ में आपने क्या गलतियां की है और फ्यूचर में जो सी गलतियां होने हो करेंगे, लेकिन उस गलतियों को आपके माइंड में ये होगा नहीं यार यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, क्योंकि ये चीज मैंने जूनियर फ्रेंड्स गेम में सीखी है। उस गेम में ये बताया था कि जब लाइफ के अंदर ये ऑप्शन आए तो इस ऑप्शन का आपके ये सोल्यूशन है। और दोस्तों यही बात हुई, आज मैं जो भी करता हूँ कब जो भी चीज में आगे आती है गलती करने पैसे नहीं हरी नहीं 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 मैंने जूनियर फ्रेंड्स कम से कम 3-4 बार खेली है, मैं कहा नहीं नहीं हरी गलती कर, कोई जूनियर फ्रेंड्स के अंदर तुझे ये कहा था अगर तुझसे ये नहीं तो तेरे ये ऑप्शन चाहिए। और जूनियर फ्रेंड्स के कारण ही कंपनी का माल जब मुझे निकाला था फैक्ट्री तब यही बात कही थी हैरी आई एम सॉरी, मैं कहा हैरी आई एम सॉरी नहीं तू आई एम सॉरी, तुझे ऐसा नौकर दोबारा जिंदगी मिलेगा भी नहीं आज तक। तो उस दिन के बाद ये चीज विल पावर, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब बिलीफ सिस्टम मुझे किसने दिया, इस एपीआई ने, इस माइंडसेट ने, इस चीज के लिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक अपने बिलीफ हो कि आप ये कर सकते हैं, जब हमारा माइंड से कहता हम कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और देखिए मैंने क्या कहा था, जिन जिन लीडर्स ने अपने लाइफ में जो स्टार्टिंग जुड़े हुए हैं उन्होंने कुछ कर दिखाया, और ये जो लीडर्स है ये वर्ल्ड के 14 लाख मेंबर्स हैं, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने मेरी बात को सत्य करके दिखाया है। और इनमें से आप भी जानते हैं जिन लीडर्स ने अपना नाम इंडिया के साथ साथ वे वर्ल्ड में एक नाम मशहूर कर दिया है। पहले हमें कोई नहीं जानता लेकिन आज वर्ल्ड में हर कोई इन लीडर्स को जानता है। और आज इस टाइम जो लीडर है उनको इंडिया में नहीं, मुंबई में नहीं, पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, राजस्थान में नहीं, यूपी में नहीं, लेकिन आज पूरा वर्ल्ड इनको जानता है ये कौन लीडर्स हैं। यानी हमारी कंपनी आपको वर्ल्ड फेमस बनाती है घर बैठे। मुझे ये बताओ स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी ने, किस स्कूल ने आपको फेमस किया, मुझे एक स्कूल का नाम दे दीजिए जिस स्कूल में स्टडी किया आपने आज तक उस स्कूल ने आपको फेमस किया, बताइए कोई स्कूल ऐसा है? नहीं है ना, लेकिन ये कंपनी पहली है, हमें हमें सपनों डिजर्व करते हैं। हमारी कंपनी के अंदर कोई छोटा कोई बड़ा कोई नहीं है, हमारी कंपनी में हर कोई एक समान है। क्यों एक समान है? क्योंकि जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर ये सब के सब एक आम आदमी है, आम लोग है, इन्हें इनकी वैल्यू हमारी कंपनी दी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इस टाइम जो भी मेरे लीडर मेरी बात को सुन रहे हैं वो सत्य बताएं कि पहले आप आम थे आज आप खास बन चुके हैं। तो मुझे अभी बताएं इस चैट के माध्यम से कि हाँ मैं खास था, मैं पहले आम था अब खास था। तो जो जो इस टाइम खास बन चुके हैं वो प्लस 2 दबाएंगे प्लीज लीडर, जो इस टाइम खास बन चुके हैं वो 2 दबाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेरी गुड जब्बर सिंह, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए देखो ये शक्ति है हमारी कंपनी के एजुकेशन में, ये वैल्यू है आपको कंपनी वैल्यू एडिंग देती है, ये पावर है नीव के अंदर, ये पावर है हमारी एक कम्युनिटी के अंदर कि आपको फेमस करती है। मुझे दोस्तों इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दुनिया में कहीं आया था ना आएगा, ये ओनली वन एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए अपने सपनों को सच करने के लिए। अब चलते नेक्स्ट स्लाइड के साथ साथ एक और एग्जांपल जिन्होंने कुछ कर दिखाया। लेकिन दोस्तों जिनकी स्लाइड दिखा रहा हूं ये अकेले नहीं है, इनके साथ और भी लाखों लोग हैं जिनकी फोटो नहीं लगी, लेकिन वो फील मत करें, लेकिन आप सबके सब हीरो हैं इस टाइम हमारी कंपनी के। जो भी हमारी कंपनी में इस टाइम मेंबर है, वीआईपी क्लब का मेंबर है, हमारी कंपनी जुड़ा, वो सबका सब हीरो है इस टाइम। तो दोस्तों अपने आप को निखारते रहिए, अपने आप को आगे लेके आते जाइए, क्योंकि हीरो बनने के लिए हीरो के काम भी करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? अगर आप 10% की तरह फेमस होना चाहते हैं वर्ल्ड के अंदर, अंबानी टाटा अंबानी उसके टाटा बिरला, फिर हम चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरह सलमान खान अक्षय कुमार, अगर आप भी इस टाइम हमारी कंपनी के हीरो हैं, जो जो लीडर इस टाइम वीआईपी क्लब का हीरो है वो सबके सब हीरो हैं अपनी जगह पर, क्योंकि हर कोई जीनियस है अपनी जगह पर। तो दोस्तों अपने साथ बने रहना और अपने लाइफ के अंदर ये मौके को
कम मत करना, इसको इंक्रीज करते जाना, अपने आप को आगे लेके आइए, ये लास्ट मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा, ध्यान रखना बातों को। अब सबसे बड़ी बात आती है वीआईपी क्लब का प्राइवेट इन्वेस्टर, ये क्या चीज है, वीआईपी मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी अब आपको कंपनी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन के लिए, यानी अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एक वेरी इंपोर्टेंट पर्सन के जरिए, यानी आप को हम कंपनी एक नेक्स्ट लेवल पे जाते जाते आपको वो चीज हर चीज मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं, और इस चीज को लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और इसके अंदर वीआईपी के अंदर यानी वीआईपी क्या क्या मिलेंगे, आपको नॉलेज मिलेगी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की, साथ में आपको एक क्लब का मेंबर बनाया जाता है, इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा 75% तक डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट किसने मिला आपको पता है, जैसे हमारे गोल्डन फ्राइड्स जैसे हमारे हर चीज का डिस्काउंट होता है, यानी आपको 75% तक आपको वीआईपी क्लब के माध्यम से आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा, ये चीज कब तक है, जब तक आप वीआईपी क्लब के मेंबर्स हैं, और जिस दिन कंपनी ने वीआईपी क्लब का मेंबरशिप बंद कर दी दोस्तों, उस दिन ये चीज आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस टाइम सबके सब लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड सीट के मतलब यानी सितंबर से पहले आपके पास सबके पास मौका है, पहली अगस्त से पहले मौका है, क्योंकि पहली अगस्त को हमारी कंपनी नई स्टेज बदलने वाली है 2.3 जिसका जिक्र मैं आने में स्लाइड में करूंगा, दोस्तों आज मौका है, आज मौका है पहली अगस्त से पहले, अगर वीआईपी क्लब बंद मेंबर बनते हैं आप कंपनी के आप कॉर्नर बनते हैं कंपनी हर चीज लेते हैं, तो दोस्तों इसका फायदा आपको फ्यूचर में होने वाला है, और साथ में चलते हैं इसके साथ आपको एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलने वाले हैं फ्यूचर में, जिस तरीके से जैसे आज कोई भी मेंबरशिप यानी इंडिया में क्या चलता है महेंद्र ग्रुप चलते हैं कोई बिजनेस ग्रुप मिलते जो आपको वीआईपी मेंबर्स बनते हैं उसे कितनी कितनी चीजें मिलती है, उसी तरह हमारी कंपनी में आपको वीआईपी के माध्यम से बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। उसके बाद आता है इसके साथ साथ वीआईपी क्लब के माध्यम से आप हमारे सीएआरयू प्रोग्राम के हिस्सेदार भी बनते हैं, यानी आपको कंपनी परमिशन देती है हमारे साथ सीएआरयू वीआईपी के अंदर अंतर्गत होते होते कि आप हमारे साथ ग्लोबल पार्टनरशिप के आप मालिक बनते हैं, और साथ में एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम बनती है इस वेब के माध्यम से, और साथ में क्लोज जो मंथली मीटिंग्स होती हैं उसके आप लेने के हकदार बनते हैं, और ये कुछ कोर्सेज के नाम है, क्योंकि जैसे कहते हैं जितना गुड़ उतनी चाय मीठी, कहावत है ना कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी गुड़ उतनी चाय मीठी, तो दोस्तों आप में से मर्जी आपकी कितनी चीनी डालनी है और कितना मीठा लेना है, इसी बेस पर हमारी कंपनी में भी हर चीज का स्टेप बाय स्टेप वेबी क्लब के साथ साथ उनके कोर्सेज के सैंपल्स है, 50 से लेके 50 यूरो लेके 10,000 यूरो तक हमारे पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कंपनी के ये चीज मिलती है आपको, उन चीजों के साथ क्या मिलता है आपको ऑनलाइन कोर्सेज विद ऑफलाइन कोर्सेज दी जाती हैं, और इन चीजों के साथ दे सकते हैं आप जैसे स्लाइड्स के अंदर क्या क्या चीज मिलने वाली आप दे सकते हैं, आप छोटी एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एपी बिगिनर के अंदर आपको कंपनी फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड एट रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर बताती है, साथ में आपको बताता है कैसे कैसे मैं कह रहा हूँ कैसे $1 को आप एक $1 million में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब कई लोग छोड़ो सर ऐसे थोड़ी होता है $1 million $1 कैसे एक मिलियन, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये पॉसिबल है हमारी कंपनी में, क्योंकि ये चीज अंद्राय सर ने लाइव करके दिखा चुके हैं, ₹1 को हम ₹1,00,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस सोचने की शक्ति और सोच चाहिए नजरिया चाहिए, वह कहते ना नजरिया मिल गया तो हर चीज मिल गई, लेकिन उसके लिए हमें सोच को बदलना पड़ेगा, ओके क्योंकि लाइफ के अंदर कहते ना जिंदगी आसान नहीं होती उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से कुछ नजर अंदाज से, यानी कुछ अपने अंदाज से यानी अपने डिपेंड है कुछ लोगों की बातों को नजर अंदाज करके चॉइस बूम आपकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ओके ये हमारी कंपनी के एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं, यानी एपी बिगिनर एपी बेसिक एपी एलिमेंट्री एजुकेशन एपी सेकेंडरी एजुकेशन एपी हायर एजुकेशन, ये सबके पैकेजेस हैं जो आपको कंपनी दिया है 50 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक। अब कई लोग ये सोच रहे हैं सर ये थोड़ी होता है 50 यूरो की इतने पैसे इतने महंगे आप कन्वर्ट करेंगे अपने 50 यूरो को, और कई सिस्टम लीडर्स कैलकुलेटर लेके ना अपने 10,000 कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रोजेक्टर के साथ 7.5 लाख में सर कौन सी चीज मिलती है, दोस्तों जब कंपनी स्टडी करेंगे ना तभी ये भी कहेंगे सर 10,000 यूनिट फिर भी कम है, जब इसका कंपनी सही विजन मिशन और 10,000 यूनिट में आपको क्या क्या मिलने वाला नीचे लिखा हुआ है प्लस सीएआरयू बोनस विद ईच परचेज, और इस सीएआरयू बोनस की क्या वैल्यूज है क्या फायदे हैं वो आपको हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जो नया लीडर आ जाए वो बताने वाले, तो बने रहिए और जाने मत दीजिए। अब आती है बारी हमारी क्रिप्टो यूनिट की,
ये है हमारा CRGO, ये क्या चीज है, ध्यान से देखिए, भूलिए मत, और ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, क्रिप्टो यूनिट का। और क्रिप्टो यूनिट क्या चीज है, ये जो नए लीडर्स आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनको ये एक टाइप का हमारा क्रिप्टो यूनिट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम लेके आते हैं इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आते हैं, जो हर एज के लोग इसमें अलाउड है। इसके अंदर आपको हम बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के, जो दुनिया के बहुत से सेक्टर्स हैं वो ऐड होते हैं। जैसे आपको तो इस चीज की शुरुआत कब हुई, इस चीज की शुरुआत हुई 30 मार्च 2019 में मलेशिया के अंदर, जब ये लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक का विवरण आपको दिखा रहा हूं मैं। हमने इस, ये हमारा रोड मैप है जो 30 मार्च से लेके 1 मई तक का, जो हमने क्या क्या कर दिया इसके अंदर। अब आप कई सोचते होंगे सर क्रिप्टो यूनिट के अंदर कौन कौन सेक्टर आते हैं, आपका वो भी डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि कल को ये मत कहना हैरी सर ने हमें अधूरा ज्ञान दे दिया, क्योंकि इंसान में ही मार खाता है, जहां कहते हैं ना अधूरा ज्ञान करे परेशान। तो आपको मैं आपके हर बहानों को, आपके हर एक्सक्यूज के आज मैं फेल करने वाला हूं। तो नोट कर लीजिए, ये जो 20 सेक्टर्स है हमारी कंपनी के इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग के, इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है, एजुकेशन से लेकर आपको चैरिटी तक हर सेक्टर हमारे साथ इन्वॉल्व है। यानी आपको कहीं जाने जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर चीज हमारी कंपनी में मिलने वाली है, आपकी कंपनी मिलने वाली है, हम सबकी कंपनी के मिलने वाली है। लेकिन बेशर्त यही है कि हमें उसे स्टडी करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी। को जब तक नॉलेज नहीं लेंगे दोस्तों, कभी कामयाब नहीं हो सकते। कि नॉलेज ए पावरफुल सेगमेंट इन दिस वर्ल्ड, और आपको इस चीज को महसूस करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा दोस्तों। और आप में से कौन कौन रेडी हैं कंपनी की फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए, और ये चाहते हैं इन जो 20 सेक्टर्स कंपनी के हैं हम उन सबके को ऑनर बनना चाहते हैं। तो मुझे बताइए कौन कौन लीडर्स इस 20 सेक्टर सेगमेंट दुनिया में पॉपुलर है, उसे कोर बनना चाहते हैं, मुझे एक दबाइए जो इस 20 सेक्टर्स का ऑनर बनना चाहता है। वाह वाह, वेरी गुड दोस्तों। एक मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी अपने दिन रात की मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर लीडरशिप लेके आने पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी कंपनी साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि 90% की रेशो से 10% रेशो के आने के लिए दोस्तों बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा। लेकिन वो बलिदान नहीं करना पड़ेगा जो बलिदान हमारे दादे परदादों ने, हमारे माँ बाप ने किया, जो हम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। नहीं दोस्तों, ओनली 1 साल मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, इतना बलिदान कर दीजिए। और कहता ना, मैं हमेशा कहता हूं पहले कंपनी को इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। अपना जब भी कहीं पैसा लगाते हैं, 1 रुपये लगाते हैं, लेकिन 1 रुपये का कहते ना, जो हमारे इंडिया में कहावत है, बनिए बुरा मत माना दोस्तों, जो भी बनियो बनिए, 1 रुपये का व्यास सूत निकालते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आम इंसान क्यों नहीं कर सकता। जब आपको पता हो आपके पैसे हैं तो आपको अपने 1 रुपये को लगाने से पहले उसके छानबीन कीजिए। उसी तरह अगर आपने हमारे कंपनी का मेंबर बनना है, अगर आपने कंपनी हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी है, तो मैं ये कहता हूँ बेहिचक होकर आप स्टडी कीजिए। स्टडी के करने के बावजूद ही आप हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए। लेकिन किसी चीज के लिए किसी फ्यूचर में किसी दूसरे लोगों को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि जब सपने सच होंगे आपके होंगे, उसके नहीं होंगे। जब आपके आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम पैसे भी नहीं कमाएगी, आपकी आएगी उसकी नहीं आएगी। तो कल को ब्लेम ना करने बजाय अपने आप को ब्लेम कीजिए, और आज वक्त है अपने आप को ब्लेम करने के लिए, आज वक्त है अपने आप को सुधारने के लिए, कल पछताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। और ये हमारा कंपनी का ग्लोबल पोर्टफोलियो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम, जिसकी वैल्यू इस टाइम $460 मिलियन हो चुकी है पोर्टफोलियो की। यानी इस टाइम हमें इतना कैपिटल, इतना हमारा पोर्टफोलियो वर्थ बन चुका है। और आप देख सकते हैं ये जो चीजें आपको दिखाई जा रही है, इन सब के आप को ओनर हैं। अब आती बारी क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम प्रोवाइड की, इसके अंदर क्या चीज है क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम, क्या चीज है अब आती है, इस बताते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला आपको। ओनरशिप मिलने वाली है सीआर ग्लोबल पोर्टफोलियो की, नंबर एक। आपको इसमें लॉयल्टी बोनस मिलेगा, नंबर दो, जिनको मिल रही है हमें पूछ सकते हैं मंथली। फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बोनस,
अब ये कहेंगे सर प्रॉफिट बोनस मिली नहीं, क्योंकि ये जो आगे सर तो आपने जो लिखा ना तीन नंबर अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफिट बोनस हमें कभी दी नहीं, तीन में से मिली। लेकिन दोस्तों सबर का फल मीठा होता है, जो पहले दी थी कंपनी ने वो भी अब आने में आने समय आपको ये भी मिलेगी, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। इसको समझने के लिए आपको फिर कंपनी क्लासेस एजुकेशन लेना पड़ेगा। और नेक्स्ट आता है कंपनी हमारी हर चीज का, जैसे सैटरडे को मीटिंग्स होती है, क्लोज मीटिंग है, कंपनी आपको रेगुलेटर ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताती है, भाई कंपनी क्या क्या कर रही है, पूरी स्लाइड्स बताती है कंपनी ग्लोबल के बेस के ऊपर। और साथ में कंपनी सीआर ग्रो टू इंक्रीज, यानी जो आज आपके सीआर जो है उसकी वैल्यू ये नहीं है कि वहीं पर रहेगी, नहीं उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल आज किसी को सीआरयू के अंदर पैकेज लिया एपीआई बिगिनर के अंदर 50 रुपए का, उसके बदले में कंपनी गिफ्ट में दिया उसको 250 सीआर फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जैक्ट पता होगा देख चेक कर लेना, एग्जाम्पल दे। लेकिन उसकी वैल्यू आपकी जितने सीआर है उसकी वैल्यू गिनी जाएगी, यानी फ्यूचर में आपको जो भी लॉयल्टीज जो भी प्रॉफिट बोनस मिलेगा वो आपके जितने सीआरयू है, जितने आपके पॉइंट्स है कंपनी के सीआरयू के क्रिप्टो यूनिट के पॉइंट्स है, उसके बेस पे आपको अर्निंग्स आएंगे, उसके बेस पे आपको पैसे भी मिलेंगे। यानी आपका जो कैपिटल जो जो आपने लगाया वो उसकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी, जितने आपके पास इसके कंपनी के पॉइंट्स है, वैल्यू पॉइंट्स के। यानी ये पॉइंट्स मेरी नजर में गोल्डन एग है, सोने की मुर्गी के अंडे हैं, और मर्जी आपकी है इसको तोड़ने हैं या सोने की मुर्गी तोड़ के इसके अंदर चूचे पैदा करें, चूचे पैदा करने के बाद इसमें फिर और पैदा करें, चॉइस इज योर्स। अब आती है ये सीआर, उसके बाद क्या हुआ सीआर जो पॉइंट्स कमी देती है आपको, हम फ्यूचर में आने वाले समय में हमें ग्लोबल मर्चेंडाइज के ऊपर लेके जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू हमारी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि हम बैकअप एसेट्स के बेस के हमें इसको लॉन्च करेंगे दुनिया के ऊपर। अब आता है स्टेप बाय स्टेप काम, अब आपको करना क्या है, जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं जो सेशन देखा है उन्हें करना क्या पड़ेगा, उन्होंने अकेडमी में प्राइवेट नेस्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो हमारी कंपनी फ्री रजिस्ट्रेशन है उसको लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको वीपी क्लब उसके बदले में ओपन करना पड़ेगा। वीपी क्लब लेने के बाद आप कंपनी को आपको बोनस, आपको कंपनी पॉइंट्स देगी सीईओ जो, फिर आपको मिलेंगे राइट ईएपी, फिर चूज करें क्या लेना चाहते हैं, कौन सी एजुकेशन आप कंपनी से लेना चाहते हैं, वो आपको जैसे आपको बताया हमारी कंपनी 5 एपी बिजनेस के पैकेजेस हैं, 5 पैकेजेस हैं, उनमें सेलेक्ट करना है कौन सी आप एजुकेशन लेना चाहते हैं। फिर नंबर 4 एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों जब तक एक्शन नहीं लेंगे ड्रीम सपने सच नहीं होंगे, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन कहां 20 साल की सेक्रीफाइस करने पर कभी एक्शन नहीं लिया आपने, एक रेड रेस की लाइफ जीते रहे, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं प्लीज एक्शन लेना शुरू करें, एक्ट। जब एक्शन करेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। क्या आप अभी के अभी अर्निंग करना चाहते हैं विद लर्निंग से, जो चाहता है अर्निंग के साथ मैं लर्निंग के साथ अर्निंग करूं, प्लीज प्रेस द बटन। बाकी क्वेश्चन पूछा प्रॉफिट बोनस, नहीं सर दो चीज अलग अलग, सर प्रॉफिट बोनस अलग है डिविडेंड अलग चीज, सर वेट कीजिए बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, पेशेंस रखिए सर, अभी तो हम बचपने में जा रहे हैं सर, वेट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप सबके सब इस समय रेडी हैं लर्निंग के साथ अर्निंग करने के लिए, तो चलो फिर चलते हैं अर्निंग करने के लिए। अब आती है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, ये ऐसा मिक्सचर है लाइफ का MLM क्राउडिंग, ये क्या है इसके अंदर क्या मिलता है आपको, मल्टी बिजनेस साथ में इन्वेस्टिंग प्लान, ये मतलब जो MLM के अंदर नहीं मिला वो हमारा निचोड़ है, उन सब चीजों मिक्स करके कंपनी आपको मल्टी बिजनेस के अंदर साथ में मल्टी बिजनेस के साथ आपको इन्वेस्टमेंट बिजनेस दे। इसमें क्या मिलता है आपको, ट्रेनिंग मिलती है, होम बिजनेस मिलता है, यानी घर बैठे, आज छोटी एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैं घर बैठेगी फरवरी से मैं इंडिया से इटली आया और अभी तक फरवरी प्लस अगस्त चल रहा है, अगस्त के अंदर एंट्री हो रहे हैं, 7 महीनों में मैं घर बैठे पैसे कमा रहा हूं। यानी मुझे चाहिए एक फोन, एक चाहिए कंप्यूटर, तीसरा चाहिए मुझे कॉपी पेन और साथ में चाहिए मुझे इंटरनेट, और जहां मर्जी ले चो मैंने पैसा कमाना शुरू कर देना। इससे बड़ा बिजनेस क्या होगा, मतलब जहां मर्जी बैठ के आप काम कर, और साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, आप खुद अपने मालिक हैं, यानी मैं खुद रहता हूं अपने माल के, यानी 7 महीने घर बैठे काम किया,
स्विमिंग पूल गया, जहां भी गया मर्जी के मार, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई बॉस नहीं, किसी की बात नहीं सुनता, मर्जी करता हूं। लेकिन ये सब की सब चीजें मुझे मिली इस MLSA के साथ साथ, और इसके साथ अनलिमिटेड रेवेन्यू मिल रही है मुझे। इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूं, घर बैठे मैं इंटरनेशनल लोगों से बात कर रहा हूं, आप भी आज बात करें। यानी इस टाइम मैं 176 कंट्री के साथ बात कर सकता हूं घर बैठे, आप भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये पावर है हमारी MLSA के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ आपको मिलती है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट ट्रेनिंग, आपको कंपनी से कोचिंग देती है, साथ में आपको एसेट मैनेजमेंट के कोर्स भी बताते हैं, और साथ में कुछ कंपनी ये बताती है कैसे आपने $1,000,000 24 महीने और 60 महीनों के अंदर कमाने हैं, कैसे आप इंपोर्टेंस हमें लाइफ के अंदर, और कैसे आपके सपने कम समय में हमारी कंपनी में साथ जुड़कर आप पूरे कर सकते हैं। फिर कह रहा हूं दोस्तों, इतनी चीजें हमारी कंपनी के अंदर, कहते ना जिनकी तरह हुक्म मेरे आका क्या चाहिए। मैं आपको सबसे पूछता हूं, हुक्म मेरे आका क्या चाहिए, जो मांगे वही मिलेगा। बस अपनी सोच को बदले, अपने माइंड सेट कीजिए, आप चाहते क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। जिस दिन माइंड सेट हो जाएगा, जिस दिन सोच हो जाएगी, उस दिन हमारी कंपनी जुड़ सकते हैं, और आपके जो सपने वो मिनिमम टाइम में 100% गारंटेड पूरे होंगे। और सबसे बड़ी लोग ये कहते हैं सर गारंटी क्या है हमारी कंपनी में जुड़ने के बाद, आपकी कंपनी में जुड़ूंगा। पहली बात दोस्तों, ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी हम सब की है, पहली बात एक। दूसरी चीज, इस कंपनी जुड़ने के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन चीज की 100% गारंटी आपको मिलेगी। क्या क्या मिलेगी सुनना चाहते हैं आप? 100% गारंटी सुनना चाहते हैं? प्लीज प्रेस दबाइए जो ये सुनना चाहता है। हमारी कंपनी जुड़ने के बाद आपको तीन चीजें 100% गारंटी मिलेगी, प्रेस कीजिए एक आगे सुनना चाहते हैं। वारे वाह वाह वारे मैं लीडर्स, आज सब कुछ सुनना चाहते हैं। ओके लिख लीजिए, कॉपी पेन में लिख लीजिए, आपको 100% गारंटी हमारी कंपनी क्या मिलने वाली है। इंटरनेशनल बिजनेस 100%, इंटरनेशनल फैमिली यानी आपको ग्लोबली फैमिली मिलने वाली है, प्लस ग्लोबली फ्रेंड्स मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ी चीज है ग्लोबली ट्रस्ट, यानी आप वर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़ के उनका विश्वास जी सकते हैं। यानी और क्या चाहिए लाइफ में, यही सपना होता है ना भी लाइफ में, जब मेरे पैसा हो, मेरे साथ फैमिली हो, मेरे साथ मेरी दोस्त हो, और मेरे साथ मेरा विश्वास हो। दोस्तों आज किसी बैंक में जाकर पैसा मांगेंगे आपको 1,000 टाइप की गारंटी देनी पड़ेगी, लेकिन यही गारंटी अगर यही विश्वास हमारी कंपनी से बनाए रखें, कंपनी आप विश्वास करके आपको लाखों करोड़ रुपए ऐसे दे देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी पता आप कौन है, लेकिन आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा। अब ये मत करना मुझे मैसेज पर्सनली करो, सर मुझे 10 लाख दो, मैं 20 लाख दो, आपने कहा था, प्रॉमिस किया था, लेकिन आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा जहां पर इन तीनों को गारंटी कहता हूं। तो आप तैयार है उस लेवल पे आने के लिए मेरे साथ कि फ्यूचर में कंपनी आप विश्वास करके आपको ये ले 50 लाख, ये 10 लाख, ये ले करोड़ रुपया काम कर, और हमें हमें साथ काम चाहते ना, लेकिन उसका विश्वास आपको जीतना पड़ेगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, जिस तरह डायमंड्स को, जिस तरह हीरो को निकालने के तपना पड़ता है आग के अंदर, सोने को तपना पड़ता है आग के अंदर, उसी तरह आपको तपना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं इस चीज तपने के लिए और तैयार हैं, तो मोस्ट वेलकम इन दिस कंपनी। आप चलते नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। और ये कंपनी 2014 ने अभी तक क्या किया, 7.5 एक्टिव मेंबर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, और हमारे बिजनेस ओपन यानी 175 कंट्री हमारा काम चल रहा है, और इस टाइम 71 अचीवर्स रैंक, प्रेसिडेंट रैंक जो कंपनी हाईएस्ट स्टेटस वो ऑलरेडी हमारी कंपनी के अंदर है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम इस टाइम 11 लैंग्वेजेस के अंदर सेशन कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। मुझे आप ये बता दिए कौन सी ऐसी कंपनी आज है जो 11 सेशंस 11 लैंग्वेजेस के अंदर काम कर रही है। मैं कुछ एक कंपनी बताता हूँ जो इस टाइम 11 लैंग्वेज में काम कर रही है। और साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है कि अभी तक हमने $96 मिलियन हमें लोगों को एज ए नेटवर्क बोनस दे दिया है। और $96 मिलियन का अगर आप कन्वर्ट करेंगे इनटू करेंगे 75 से कितने बनते हैं दोस्तों, सोच लीजिए। मुझे पसीना आ रहा है सोच कर, आपको पता नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पसीना छूट रहा है, इतना कुछ है हमारी कंपनी में। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक वी अचीव्ड, अभी तक हमने 13 लाख कुछ की बताया, लेकिन 14 लाख के प्लस को टच कर चुके हैं हम और इन 5 सालों में। और ऑलरेडी हमारे जो 20,000 मेंबर ऑलरेडी बेबी क्लब के एक्टिव मेंबर बन चुके हैं, और हम ऑलरेडी 660 पर डे यानी 27
पर आवर यानी एक रजिस्ट्रेशन, यानी हर 2 मिनट में हमारे साथ एक रजिस्ट्रेशन हो रही है, यानी 2 मिनट में, 2 मिनट में ज्यादा है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ इस टाइम हमारे हर 1 मिनट में एक रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो मैं सोच रहा हूँ जिस तरह से हमारी कंपनी काम कर रही है। आपको शायद यही महसूस कर रहे होंगे इस टाइम दुनिया में लोग एक ही चीज को यूज कर रहे हैं, हमारी से कंपनी से जुड़ना, हमारी कंपनी से जुड़ना, क्योंकि इस कंपनी के जो चीज मिल रही है वो डिफरेंट कंपनी से नहीं मिल रही, जो हम दे रहे हैं वो लोग नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम आपको दे रहे हैं एजुकेशन, कॉर्नरशिप एंड बिजनेस। और वो क्या चीजें हैं आप ये दे सकते हैं, ये वो महान लीडर जिन्होंने कंपनी को शुरू से आगे नेक्स्ट लेवल पर लेके गए, और ये जो लीडर है जिन्होंने एक प्रूफ करके दिया हमारी कंपनी को, आप दे सकते हैं। इनमें से सबके सब ये आम लोग थे, लेकिन आज ये खास लोग हो चुके हैं, और ये दे सकते हैं साथ में साथ हमारे हिंदुस्तान से ध्रुव कुमार को सब जानते हैं, ये भी एक है, शशि कुमार आप जानते हैं, राजन सर, ये दोनों लीडर्स इंडिया से स्टेट मणिपुर से ब्लॉक करते हैं, और ध्रुव जी को पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों ये मत सोचना कि ये लीडर आज इनकी फोटो लगी क्या किया लोग, दोस्तों जो इन्होंने किया अगर वो भी आप भी कर सकते हैं तो फ्यूचर में आपकी फोटो यहाँ आ सकती है, लेकिन आपको तपना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा इन लीडर को जैसे, आपको काम करना पड़ेगा, अपनी हिम्मत, अपनी सेल्फ स्टडी, आपको अपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने टाइम को, मनी को, नॉलेज को, जैसे इन लीडर्स ने किया, इन्होंने तपा है, इनको सीखा है। अगर आप रेडी हैं इस जगह पर आने के लिए तो वेलकम इन द एपे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर कंपनी। एडवांटेज ऑफ एमएलसी बिजनेस, बिजनेस फ्रॉम होम, जैसे मैं पहले आपको कहा घर बैठे, फिर आती है स्टार्ट जो इंटेलिजेंट बिजनेस, घर बैठे आप काम कर सकते हैं, और जब से सबसे बड़ी बात अगर आपका विश्वास जीतेंगे सब लीडर्स का, फ्यूचर में आप अपना बिजनेस भी प्रमोट करते कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि एक जब एक विश्वास, एक रियल बॉन्डिंग बन जाती है तो दुनिया में काम करना शुरू हो जाता है, लगता है आज मैं टाइमिंग ज्यादा ले लिया है तो इसके जल्दी काम करता हूं, अनलिमिटेड अर्निंग्स पोटेंशियल, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। फिर आती है नेक्स्ट स्लाइड, यूनिक बिजनेस मॉडल, फिर मैसिव लेवरेज क्रॉस एंटायर नेटवर्क, हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, इसके लिए क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, फिर वेरिफिकेशन, वेरीफाई, विदाउट वेरीफाइड आप हमारी कंपनी मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और साथ में इम्प्लीमेंट करना, जैसे मैंने पहले कहा आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है प्रेजेंट एपीएस, अगर जो आज ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपेटिटिव सीआर जो पॉइंट्स देती है, फिर नंबर दो पे आपको ट्यूसडे और थर्सडे के अंदर आपको ट्रेनिंग मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, और एवरी थर्सडे आपको एमएलसी की ट्रेनिंग में बताया जाता है। और सबसे बड़ा हमारा मिशन क्या है, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, सिक्योरिटी एंड प्रोडक्शन, हेल्प अदर्स, प्रोस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस एंड रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स। जैसे मेरे सपने साकार किए हैं, आपके सपने साकार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी कंपनी की एजुकेशन स्टडी करनी पड़ेगी। और मैंने जैसे पहले कहा 3 पिलर्स कौन कौन से हैं, एजुकेशन, कॉर्नरशिप एंड बिजनेस। ओके लीडर्स, फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 पिलर्स को मैं बोल रहा हूं, यानी हमारी कंपनी में 3 एंट्री पॉइंट्स है, एजुकेशन, कॉर्नरशिप, बिजनेस। चॉइस है आपकी, आप किस एंट्री से घुसेंगे, अगर एजुकेशन में घुसेंगे तो आप फ्यूचर में कॉर्नरशिप, कॉर्नर बिजनेस। अगर सोचे मैं कॉर्नरशिप बनू, लेकिन आपको एक चीज मिस हो जाएगी, क्या मिस होगी, एजुकेशन मिस हो जाएगी। इसलिए बेस्ट रास्ता कौन सा है, कहते हैं एक चीज को पार करने बेस्ट रास्ता है एजुकेशन पूरी लेने के बाद, कॉर्नरशिप उसके बाद बिजनेस, ये एग्जैक्ट वे है, ताकि कब भी कहते हैं स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे कामयाब रहेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे तो जिंदगी मार खाएंगे और हमेशा माइंड में डाउट रहेगा। और दोस्तों जैसे देख रहे हैं इसी साथ इन 3 पिलरों के साथ साथ इन कंपनी 3 पिलरों की जो डिमांड है प्रेजेंट काउंसिल मेंबर, इन प्रेजेंट काउंसिल मेंबर के दोस्तों आपका प्यार भरा दोस्त हरविंदर सिंह हैरी भी शामिल है, और साथ में मेरे साथ साथ लीदिया मैम जो बिलोंग करते हैं मणिपुर से, ये भी है, यानी हम लिए हिंदुस्तानियों के लिए सबसे गर्व की बात है, 2 यानी 176 कंट्री, 176 कंट्री में से 2 प्रेजेंट काउंसिल मेंबर के मेंबर्स हैं, वो भी इंडिया से। इसलिए कहता हूँ आई एम प्राउड टू बी इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और आपको ये बता देता हूँ अभी तक इंडिया नंबर 1 की पोजिशन में जा रहा है इस एपीआई के अंदर, और ये पोजीशन बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, पहले से कभी कुछ करते नहीं है, और जब करते हैं तो इतिहास रचते हैं, और ये वक्त आ गया है इतिहास रचने का, अपनी कंपनी की पोजीशन को नंबर 1 पर लेके आने का। और मेरे साथ आप हमेशा साथ देंगे, अगर एग्री हैं तो 1 दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलते नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
व्हाट बी योर डिसीजन, आपकी चॉइस क्या है बताइए मुझे, अब क्या चॉइस करना चाहते हैं। चॉइस अगर आपकी पॉजिटिव है तो प्लीज प्रेस वन दबाए, अगर चाहते हैं भी हाँ मैं चाहता हूं काम करने के लिए, कंपनी से जुड़ना चाहता हूं, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं, ओके नेक्स्ट स्लाइड्स। लीव एवरीथिंग एज इट इज और गेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बी पार्ट ऑफ लाइफ एंड मैंडेट, ये सब चीजें आपको इसके दी जाती है। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, फिर दोबारा रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल एजुकेशन मल्टी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बी पार्ट लेकिन लाइक माइनिंग कम्युनिटी, क्योंकि मेरी आपको हमारी कंपनी जोड़ने के लिए आपको अपना पुराना एमएलएम का पार्ट पुरानी सोच बदलनी पड़ेगी, को हमारी कंपनी का ओपन माइंडेड मोस्ट वेलकम, सोच बदल के आना कि सोच बदलेंगे तभी काम हो सकता है हमारे साथ। द एबिलिटी टू क्रिएट एसेट्स द ऑपरचुनिटी टू लीव ए लेगेसी, यानी हमारे साथ आप अपनी लेगेसी बना सकते हैं, यानी आप अपना इतिहास अपनी हिस्ट्री खुद बना सकते हैं हमारी कंपनी साथ जुड़कर। और न्यूज लेटेस्ट अपडेशंस, ये कंपनी के लेसन मॉस्को से हमें पास हो चुका है, जैसे आप कहा था हमारे कंपनी तीन बेस पिलर्स है एजुकेशन ओनरशिप एंड बिजनेस, यानी ये हमारे लेसन ऑलरेडी कंपनी थोड़ा मिल चुका हमें। और ये कंपनी आपको बता रहा हूँ जो सेकंड स्टेज यानी 2.3 स्टेज पहली अगस्त से चेंज हो रही है, जो इस टाइम आपको बोनस के अंदर 50 250 1000 4000 10000 के ईएपी पैकेज आज को मिल रहे हैं, आपको जो आज मिल रहे हैं वो कम होने वाले हैं। दोस्तों ये मौका मत स्लिप कीजिए, ये मौका मत गवाएं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते, क्योंकि एक एक सीआरओ की वैल्यू गोल्डन अंडों की तरह है। सो दोस्तों क्योंकि एक एक सीआरओ हमारे रियल एसेट्स के बैकअप के साथ आ रहा है, और दुनिया में आई थिंक कम ही चीजें होंगी जो बैकअप रियल बैकअप ऐसे साथ दुनिया लॉन्च होने वाली है, जिसका नाम है एसटीओ। तो दोस्तों मौके बार बार नहीं आते, अपॉर्चुनिटी एक बार आती है इसे ग्रैब कर लीजिए। अब आती है डाटा माइनिंग पैकेजेस, जो आपको बताया कंपनी ने 100 150 और 500 के, और आने वाले 500 यूनिट्स के जो पैकेज डाटा माइनिंग के भी खत्म होने वाले हैं। तो डाटा माइनिंग के बारे में आपको क्लासेस लग रही है, पता है डाटा माइनिंग क्या है, जितने आप प्रोडक्ट देख रहे हैं अगर आप लेना चाहते हैं इट्स ओके, अगर नहीं लेना चाहते फिर भी आप इनके 50% ग्लोबल पोर्टफोलियो सीआरओ के आप कौन रहे, यानी कि अगर आप कहते हैं ना मैं एक चीज से दो चीज, यानी मैं इसके पैसिव इनकम लेना चाहता हूं प्लस डाटा माइनिंग जो दुनिया में प्रमोट हो इससे भी मैं बिजनेस आना चाहता हूं, जैसे वॉरेन बफे अब उसका खुद का बर्कशायर हैथवे खुद का एक शेयर है उससे उसको इनकम आ रही है, प्लस उसको जो कोका कोला से आ रही है वो अलग आ रही है, यानी इन चीजों मिलाकर वो दोनों तरफ से पैसा कमा रहा है। उसे चॉइस आपकी है कि आपने एक्स्ट्रा कमाना है तो आप ये एक्टिवेशन कर सकते हैं डाटा माइनिंग के, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप ले सकते हैं, अगर नहीं भी मैं सीए पॉइंट है इस ओके, चॉइस आपकी है। लेकिन डाटा माइनिंग को ये ऐसे स्टार्टअप प्लान से प्रोजेक्ट जो दुनिया में आने वाले हैं, ये ऐसा डाटा माइनिंग क्या वैल्यू है आप उनसे पूछिए जो इसके बारे अच्छी नॉलेज रखते हैं, और हमारे सेशन ज्वाइन कीजिए हर बारी। यू गेन दोस्तों सोने पे सुहागा, यू गेन विद नो पेन, जो मैं कहता ना यानी जो चीज आपको मिलने वाली है विदाउट पेन से मिलने वाली है, और ऐसा पेन मैं तो बार बार कहता हूँ भाई यू गेन बार बार आप पेन, यानी पेन मुझे मिलता जा, अगर ऐसे पेन इतना अच्छा पेन होता तो पेन पैसिव इनकम फाइनेंशियल, यानी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं यू गेन के माध्यम से। आप जस्ट इमेजिन कीजिए जो इतनी बड़ी कम्युनिटी 14 लाख की कम्युनिटी इतने लोग इस यू गेन को ज्वाइन करेंगे तो हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, और उस टाइम हमारी सीआरओ की वैल्यू कहां पर जाने वाली है, वेट एंड वॉच। यू गेन क्या होने वाला देख सकते हैं क्या चीज है, द क्लाइंट डाउनलोड एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, द क्लाइंट शो कोड्स, द कोड इज स्कैन बाय कैशियर्स, आफ्टर स्कैनिंग कैशियर सेव इन्फॉर्मेशन अबाउट बोनस पॉइंट, एंड इसका पे बैक सिस्टम मिलने वाला है। ये आपको छोटी सी एग्जांपल हिंदी के अंदर सरल भाषा में समझाना है, ये यू गेन एक टाइप का आपका पेटीएम का काम करेगा, जो एक बीएम यू भीम ऐप का काम है जो इंडिया में चल रहे हैं, इस छोटी एग्जांपल दे रहा है, लेकिन वो इंडियन बेस है, जो हमारा यू गेन है ये वर्ल्ड बेस है, यानी वर्ल्ड में जब मर्जी जाके आप यू गेन के माध्यम से एक पे बैक सिस्टम यूज कर सकते हैं, यानी जहां भी यूज करेंगे ये ले भाई यू गेन, क्योंकि मुझे कोई पेन नहीं मिलने वाला है, जो भी दे रहा हूं वापस घूम के मेरे पास वापस आ जाएगा, तो चॉइस आपकी है। अब आती है सबसे इंपोर्टेंट चीज जो आपको बताने वाला दोस्तों,
जो इसलिए कह रहा हूँ, ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर के अंदर हम बहुत कुछ लेके आ रहा है और मैं बहुत कुछ लेके आने वाला इंडिया लेवल के ऊपर। अगर छोटी छोटी गलती हम करेंगे तो हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं हमारे लीडर्स कुछ सीखेंगे। तो आज से मैं सबको कहता हूँ कि जिस दिन हमारी कंपनी ब्लॉकचेन में ट्रांसफर, जब हम एक्सटर्नल चेन के अंदर आएंगे तो इन चीजों का हमारा नुकसान होगा उन लोगों का जो लोग पछताएंगे। आज हमारे हाथ में मौका है इस चीज को सही करने, लेकिन कल को हम जब ओपनिंग हो जाएंगे हमारे मौके नहीं होंगे। कैसे ओपन होगा? जब भी कोई मास्टर प्रोविज से ऑनलाइन पेमेंट करता हमारी कंपनी के अंदर, तो उसको पहले बता रहा हूँ उसने अपने एनवाइस के अंदर, यानी जो अपने रिमार्क के अंदर रेफरेंस के अंदर दो चीजें ऐड करनी है, एक एनवाइस नंबर, दूसरा ये आपका लॉगिन नंबर। यही दो चीजें आपने लिखनी ताकि हमें पता चल सके ये जो जो पैसा हमारे पास ये पे इंफॉर्मेशन एजुकेशन पैकेज के आया ये इस लीडर डाला है। और दूसरी बात, अगर आप ये नहीं करते खुदा का तो गलती कर भी बैठते हैं तो आपका पैसा आपका 100% सेफ है। मैं फिर कह रहा हूँ आपका पैसा 100% सेफ है। लेकिन दोस्तों नीचे ध्यान से देना, इन केस ऑफ रिफंड जीएसटी अमाउंट, क्योंकि हम साथ के साथ सरकार को टैक्स दे रहे हैं आपका, यानी जीएसटी हमें नहीं मिलेगा उस तरीके से, नहीं मिलेगा जिस तरीके अगर आप एयरलाइन की फ्लाइट बुक करते हैं और किसी कारण आप चेंज कर लेते हैं, किसी कारण आपका टाइम लगता, किसी कारण आपका टाइमिंग बदलनी है, तो एयरलाइन के लोग कहते हैं ओके मैं आपको रिफंड देता हूँ लेकिन आपका जो टैक्स है वो पे नहीं करूंगा। मैं सही कह रहा हूँ? क्या आपने कभी एयरलाइंस की रिफंड टिकट रिफंड कराई जो भी है उसमें टैक्स मिलता आपको? नहीं मिलता ना। उसी तरह हमारी कमी टैक्स नहीं मिला क्योंकि हम एटोमेटिक टैक्स गवर्नमेंट पोर्टल के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे बातें चाहिए, सर कंपनी जीएसटी कहागी, कंपनी ये कहागी, मैं लीडर नहीं, मुझे कोई ब्ला 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 की कहानी स्टोरी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए जो वेस्टेज जो टाइम। टाइम मैनेजमेंट सीखिए, अपने आपको एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनाइए ताकि फ्यूचर में आपके बच्चे ये कहें पापा मम्मी मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, ना कि सलमान खान की तरह बॉडी बनाना चाहता हूँ, बाद में सलमान खान की तरह आप बेचते रहना झंडू बाम, मर्जी आपकी है। फिर कह रहा हूं ओके दोस्तों इसी के साथ साथ सेशन अब खत्म करने वाला है। ऑलरेडी सेशन में था एक घंटे का और सेशन को करते करते मैं टोटल ले गया हूँ डेढ़ घंटे, यानी एक घंटे 30 मिनट के लिए। इसका मतलब धन्यवाद दोस्तों आपका पेशेंस का और वैल्यूबल टाइम का कि आप मेरे से बने रहे और आपने इतना कीमती समय आज आपने मेरे साथ जुड़ के आपने अपनी नॉलेज शेयर किया और मेरी नॉलेज से आप कुछ भी प्रॉफिट हो और कुछ भी सोचते भी हम है इसने जो भी हम बताया हमारे फायदे के लिए बताया। तो मैं आपसे यही कहता हूँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इंप्लीमेंटेशन करो अपने रियल लाइफ के अंदर और अपने रियल लाइफ के साथ साथ डुप्लीकेशन करो अपने डाउनलोड के अंदर। दोस्तों असली लीडर वो है, असली इंसान वो है जो दूसरों की हेल्प करता है, अपने लिए तो हर कोई करता है। जिंदगी में अगर अच्छी खुशी अच्छा चीज चाहते हैं दूसरों को खुशी देके, जब किसी चेहरे के स्माइल आता ना उस दिन आप जीते हैं आप असली लाइफ। और जिंदगी के अंदर वो काम करो जिस दिन एक दिन कोई आपको फोन करे 10 बजे सुबह ओके सर धन्यवाद आपका, आपके कार्य में जिंदगी बदली है, सर उस दिन आप जिंदगी जीते हैं, उस दिन पता चलता है आप इस दुनिया में आए हैं, उससे पहले आपकी वैल्यू नहीं है और चॉइस आपकी है कि आपके मरने के बाद सब लोग रोएं मिस करें आपको, यार वो इंसान चला गया, ये ना हो आपके मरने के बाद आपको गाली निकाले, चॉइस आपकी है। अच्छे हिंदुस्तान बने, पैसा कमाना इजी है मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन दुआ ले ये साथ में काम कीजिए, टीम में काम कीजिए, मिलजुल के काम कीजिए और सबको एक वैल्यू एडेड दीजिए, सबको राइट इंफॉर्मेशन दीजिए, राइट एजुकेशन दीजिए, चॉइस उसकी होनी चाहिए, लेकिन अपने एमएलएम के चक्कर में आपके 10% 15% 20% चक्कर में उसको धोखा मत दीजिए। कोई जिस दिन उस बच्चे की आंखें खुलेगी ना उस दिन आपको गाली निकालेगा, चॉइस आपकी है, क्योंकि जिंदगी के अंदर चैलेंजेस मौके बार बार आते हैं लेकिन उसको सफर करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वो आज वक्त आ चुका है वो चीज करने के लिए ओके। अब जाता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये लीडर्स अल्ताफ पठान, ऐसा लीडर, ऐसा उभरता हुआ सितारा, ऐसा लीडर जिसको मैंने जाना फर्स्ट टाइम, सोचता पहले कुछ तो और था लेकिन ये निकला कुछ और, यानी अल्ताफ पठान ये कौन है? छोटी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसके बारे में। ये इस्टर्न रीजनल काउंसिल के मेंबर है हमारे इंडिया लेवल के ऊपर, ये कंज्यूमर न्यू कंज्यूमर कमिटी पार्टनर वाइस प्रेसिडेंट है हमारी कंपनी के अंदर, ये मेंबर ऑफ सीएल क्लब के वीआईपी होल्डर्स है, साथ में इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इस
अल्ताफ प्रधान सर से बच के रहना, ये लोगों का माइंडसेट करता है, लोगों के दिमाग पढ़ता है, यानी एक तरफ का जादूगर है, यानी लोगों के माइंडसेट स्टडी करता है। तो जब भी कोई बात करे अल्ताफ सर से, सोच समझ बात कीजिए, क्योंकि इनके सामने माथे में लिखा जाता है अब क्या सोच रहे क्या बोल रहे। तो दोस्तों सावधान इन सर से। और आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अल्ताफ प्रधान जी, क्या आप इस टाइम है मेरे साथ? यस सर, श्योर। कहाँ पर नजर आ रही, रुक जो मैं करता हूँ। ओके 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 ओके, रुक जो मैं। ओके अल्ताफ जी, ओके अब अल्ताफ जी फ्लोर इज योर्स। और दोस्तों जाते जाते धन्यवाद सबका मेरी तरफ से। इस सेशन के दौरान कोई मुझसे गलती होगी होगी, कुछ मेरी बातों से आपको फील हो, अगर मेरी बातों से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, किसी को दिल को ठेस पहुंचे, मैं उससे माफी मांगता हूँ सबके सामने। आई एम सॉरी, और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, अपने आप को और आगे लेके आऊँ, ताकि आप सबको राइट इन्फॉर्मेशन राइट नॉलेज मिल सके। और बने रहिए मेरे साथ, इस कंपनी के साथ, और फ्यूचर में जब हिंदुस्तान में आऊं तो मैं आपको आपको सबको मैं चाहता हूँ स्टेज के ऊपर, और जब नीचे खड़े होकर मैं ताली मारूं, ये है लीडर भविष्य के इंडिया लेवल के ऊपर काम करने के मेरी कंपनी साथ। ओके दोस्तों धन्यवाद, अल्ताफ खान फ्लोर इज योर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट। तो प्लीज फ्रेंड्स, काफी टाइम हो चुका है, आई विल नॉट टेक मोर टाइम, जस्ट मुझे कंफर्म कीजिए मेरी आवाज एज वेल एज मेरा स्क्रीन आपको क्लियर सुनाई दे रहा है या फिर दिख रहा है। अगर इफ एवरीथिंग इज ओके प्लीज टाइप यस, अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे बोलिए। ओके थैंक यू। Give me a 2 minutes. आज बिकॉज ऑफ पैंडेमिक आई विल बी, मतलब मैं जो हूँ हॉस्टल में रहते हम लोग, और हॉस्टल में से हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हरी सर जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। आज का जो दिन है 30th of जुलाई 2020, काफी लकी हूँ मैं, और काफी खुश हूँ कि मुझे मेरे मेंटर के साथ में एक वेबिनार करने का मौके मिला। जो आज का वेबिनार है वो हमारा मेरा पहला वेबिनार है जो मैं हरी सर जी के साथ में दिख रहा हूँ। तो मैं और एक बार आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, मेरा स्क्रीन एज वेल एज मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है क्या? इफ एवरीथिंग इज ओके, आवाज चकाचक आए सर। सतीश जी थैंक यू, दीपक जी थैंक यू। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अरे सुदामा, मुझे भी सिखा दे कोई हुनर तेरे जैसा, मुझे भी मिल जाए फिर कोई दोस्त कृष्ण जैसा। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, आज फ्रेंडशिप डे है, और हमारे साथ में हम काफी लकी है इस अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरे दुनिया के दोस्त मिले हैं। अभी मेरे साथ में यहाँ पे हमारे प्रवीण जी और हरी सर जी मौजूद है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, मैं ज्यादा समय ना लूंगा। तो वाई टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर इन दिस मिशन, एक मिशन है, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, न्यू इटसेल्फ इज द मिशन, न्यू एक बड़ा मिशन है, एक बड़ी सोच है, सोच के साथ में एक मिशन है। तो हम वाई, मतलब वाई टू बिकम एन एक्टिव पार्टनर, हमें एक्टिव पार्टनर क्यों बनना है इस मिशन में? तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंसेस दिखाऊंगा इन एक्टिव पार्टनर्स एंड एक्टिव पार्टनर्स का। तो इनएक्टिव पार्टनर्स के बारे में जानेंगे। इनएक्टिव पार्टनर्स को व्हाट आर द बेनिफिट्स हम लोगों को मिलेगा? पहली ट्रेनिंग्स मिलेगी, चाहे एक्टिव रहे या इनएक्टिव रहे, हम लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा। लॉयल्टी प्रोग्राम बोनसेस मिलेंगे अंटिल अक्टूबर 2021 तक हम लोगों को लॉयल्टी प्रोग्राम बोनसेस मिलते जाएंगे। प्रॉफिट बोनसेस एज वेल एज पेआउट्स हम लोगों को एक्टिव हो या इनएक्टिव पार्टनर्स होंगे तो मिलते रहेंगे। तो चलिए एक्टिव पार्टनर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक्टिव हम क्यों बने, क्यों बनना चाहिए। तो एक्टिव बनने के लिए मतलब हमें क्या करना है? तो एक्टिव पार्टनर्स क्यों बनना है वो अगर जानना है हमें, जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा सा हॉस्टल में हूँ, बाहर थोड़ा डिफरेंट काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है।
ओके राइट, अनलिमिटेड इनकम एक्टिव पार्टनर्स को मिलेगा, इनकम इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ बोनस सीआरओ पॉइंट्स में भी मिलते जाएंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस अंटिल 2021 तक मिलेंगे, प्रॉफिट बोनसेस एंड पेआउट्स, इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम होम, अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बिजनेस ट्रेनर एंड स्पीकर, बिकम अ मेंबर ऑफ द लीडरशिप काउंसिल, ये सारा बेनिफिट है। खुद का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट, अकॉर्डिंग एज पर मतलब फिनेंस के साथ में भी अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव पार्टनर के लिए हम लोगों को एक मौका मिलता है टू बिकम अ बिजनेस ट्रेनर एंड अ स्पीकर। आज मैं यहाँ पे जो आपके साथ में बात कर रहा हूँ, मतलब आपके साथ में टेक्नोलॉजी को यूज करके जो बात कर रहा हूँ, हम पहले ऐसे नहीं थे राइट, हमें 15 या 20 पीपल्स के साथ में बात करने की आदत थी, लेकिन जो हम यहाँ पे डेवलप हो रहा है एवरी डे वी आर इम्प्रूविंग, हम लोग इम्प्रूव हो रहे हैं। तो इन एक्टिव एंड एक्टिव पार्टनर्स का हमने डिफरेंशिएशन आपको बताया, तो एक्टिव पार्टनर्स हमें बनना है। व्हाट आर योर गोल? हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ गोल होता है, गोललेस लाइफ इज लाइक अ सीडलेस फ्रूट, जिंदगी में गोल नहीं है तो लाइफ में मजा नहीं है। तो आपका गोल क्या है? व्हाट आर योर गोल? तो हमें अपने आप से पूछना है, लेकिन मेरा गोल क्या है? व्हाट इज आवर गोल? न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका एक गोल है 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे दुनिया का 15% जो पॉपुलेशन है, मतलब 1.1 बिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू द मतलब 2019-20 के हिसाब से 1.1 बिलियन पीपल इस मिशन में आएंगे, इस मिशन में साक्षर करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा है, शिक्षा संगठित व संघर्ष करा, एजुकेट एजुकेट एंड फाइट बैक राइट, एजुकेट ऑर्गेनाइज, एजुकेट होना है ऑर्गेनाइज होना है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, पूरे प्लैनेट में अगर सबसे पावरफुल पावरफुल वेपन अगर कौन सा है तो वेपन होता है शिक्षा। हम काफी लकी है यहाँ पे, हमें जो शिक्षा मिलती है हमें वो शिक्षा साक्षरता मिल रही है, फिनेंशियल एजुकेशन हमको मिल रहा है जो दुनिया में किसी स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। तो हमारा मिशन है 15% ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन साक्षर से मतलब सक्षम हो, एजुकेशन फिनेंशियल लिटरेसी उनको मिले। तो व्हाट सिस्टम डू वी हैव? तो हमारे पास ऐसी कौन सी सिस्टम है? इसलिए आगे चलते हैं, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, हमारे पास जो सिस्टम है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, ये सिस्टम है MLCI। रियली हम सब लोग, काफी लोगों से आपने सुना होगा, वो प्राउड ऑफ MLCI, हम लोग MLCI से काफी प्राउड होते हैं। तो MLCI के बारे में जानेंगे, थ्री डिफरेंसेस पूरे दुनिया में सारी कायनात में देखा जाएगा, थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होता है, पहला ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोडक्ट नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग एज वेल एज थर्ड जो है वो मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग मतलब MLCI। हमारा बिजनेस मॉड्यूल टोटल यूनिक है, चलिए हम डिफरेंसेस जानेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या होता है, जो सदियों से हम करते आ रहे हैं, जो सदियों से हमारे गाँव में हमारे मोहल्ले में जो करते आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है। प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, आपने देखा होगा काफी सारे लोग बैग में मतलब कुछ बहुत सारे डिब्बे या बॉक्सेस मेडिसिन अलग अलग प्रोडक्ट्स डाल के जो मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। एंड मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, जो हमारा बिजनेस है टोटल वर्ल्ड में यूनिक है। इसलिए आगे चलते हैं, नो इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस एजुकेशन, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस एजुकेशन नहीं होता है। जैसे दद्दू करते थे वैसे ही पिताजी करते हैं, और जैसे पिताजी करते थे वैसे ही हम करेंगे, मतलब उनके बच्चे उनके बेटे लोग करेंगे। तो एक हायरार्की वाइज होता है यहाँ पे, एक जनरेशन टू जनरेशन ये बिजनेस मतलब आगे चलता जाता है, इसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है। इनकम फ्रॉम द कंपनीज वर्क, तो इनकम जो होती है उन्हें वो कंपनीज वर्क से मतलब उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सिर्फ उसी से उनको इनकम मिलती रहती है। तो प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, देयर इज अ बिजनेस एजुकेशन, डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेस का एजुकेशन मिलता है, लेकिन लो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन नहीं होता है। और आपने देखा होगा हमारे जो गांव में मोहल्ले में या जितने भी इंडिया में जितने घर बर्बाद हुए या जो भी थोड़ा बहुत हुआ, सारी चीजें मटके से जुआ से या शराबी से बर्बाद नहीं हुए, काफी सारे लोग लाइफ में गलत डिसीजन लेने की वजह से भी बर्बाद हुए हैं। गलत डिसीजन लोग क्यों लेते हैं? गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, उनमें इन्वेस्टमेंट एजुकेशन नहीं होती है। गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से वो लोगों का लाइफ बर्बाद होता है। इसलिए मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टैंडेबल बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग एजुकेशन, यहाँ पे क्या होता है, हम बिजनेसमैन को बिजनेस को समझते हैं और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। इनकम फ्रॉम द स्ट्रक्चर वर्क एंड पर्सनल सेल्स, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर से इनकम मिलती है, पर्सनल सेल्स से इनकम मिलती है। नो पैसिव इनकम, कोई पैसिव इनकम नहीं होता है। इनकम फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लेवल फ्रॉम द कंपनीज एसेट एंड पर्सनल इन्वेस्टमेंट, MLCI में क्या हो रहा है,
स्ट्रक्चर के सारे लेवल से हम लोगों को इनकम मिलता है, कंपनी का एसेट से और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से भी हम लोगों को एक इनकम या रेवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलता है। ट्रेडिशनल में परचेज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम सेल इज रिक्वायर्ड, ट्रेडिशनल में जो भी हम लोग मार्केट में देख रहे हैं सेलिंग इम्पोर्टेंट होती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करना मैंडेटरी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में देखेंगे इट इज नेसेसरी टू परचेज अ प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ एंड फॉर सेल, हमें प्रोडक्ट खुद भी परचेज करना होता है, रीसेल हमें खुद भी करना है एज वेल एज सेलिंग भी हमें करना होता है। नो नेसेसरी परचेज एनीथिंग टू सेल कंटिन्यूअसली, हमें हर बार या कंटिन्यूअसली कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करने का जरूरी नहीं है MLCI मॉड्यूल में। नो रैंक बट देयर इज अ कॉम्पिटिशन, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या होता है कोई रैंक नहीं होती है लेकिन कॉम्पिटिशन हीवी कॉम्पिटिशन है, यू हैव टू स्टे ऑन द टॉप, हमेशा आपको टॉप पे ही रहना है। कॉम्पिटिशन जो होता है हमेशा हमें कॉम्पिटिशन में पिछ होके निभा, मतलब हमें वहाँ पे अपने आप को साबित करना होता है। यू नीड टू कन्फर्म एंड रैंक अचीव रिसीव अपॉइंटमेंट, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है हमें कंफर्म करना हो, यू नीड टू कंफर्म एंड रैंक टू रिसीव पेमेंट, पेमेंट के लिए हमें बार बार अपनी रैंक को कंफर्म करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। और मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टमेंट रैंक नेवर गोज डाउन, एक बार, अभी मैं न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ काफी सारे लोग मैनेजर, लीडर मैनेजर, टॉप मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमारे दोस्त हैं, तो उनका रैंक लाइफ में एक बार अगर बना तो कंटिन्यूअसली या थ्रू आउट द लाइफ हमारे रैंक हमारे पास रहते हैं। नेक्स्ट, ओनरशिप योर कंपनी, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप के साथ में गोल में भूल गया, गोल अर्न मनी, ट्रेडिशनल में होता है ओनली अर्निंग मनी और यहाँ पे क्या हो रहा है अर्न एंड हेल्प अदर्स, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है गोल हमारा होता है पैसा भी कमाना एज वेल एज दूसरों को भी हेल्प करना, लेकिन मल्टी MLCI में क्या हो रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इकोलॉजी ऑफ द प्लानेट, ए प्लानेट के अकॉर्डिंगली हमारे एंड्री से जो देखते हैं मुझे बहुत प्राउड फील होता है, वो एज अ वर्ल्ड को कभी वर्ल्ड बोल के नहीं देखते, वो एज अ प्लानेट बोल के देखते हैं। तो हमेशा अभी हमारे काफी सारे दोस्त जितने भी मेरे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं क्वाइट लकी कि हमने लाइफ में उतने फ्रेंड्स नहीं बनाए जितने बिजनेस में हमारे बने हैं। तो ओनरशिप ऑफ योर कंपनी, ओनरशिप तो हमें ट्रेडिशनल में रहती है उसके साथ में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हमारी होती है, वट एवर द लॉस जो भी होता है हमारा जिम्मेदारी होता है, हमारा कंपनसेशन कहाँ से नहीं मिलता है। नो कंपनी जो ऑफ योर ओन, इसमें क्या होता है MLM में क्या हो रहा है कोई भी कंपनी हमारी खुद की नहीं होती, जो प्रोडक्ट मिला वो हमारा मिला बस उसी को हमें बेचते रहना है। लेकिन मल्टी लेवल MLCI में क्या हो रहा है ओनरशिप ऑफ इनोवेटिव कंपनी विद कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पैसिव इनकम, प्रोडक्ट और सर्विसेज इज ब्रॉट एंड सोल्ड अगेन एंड अगेन, ट्रेडिशनल में बार बार हमें बेचने का मौका मिलता है, बार बार हमें बेचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नो नीड टू बाय एंड सेल एवरी टाइम। MLM में ऐसा होता है कि ऑल द टाइम आपको बाय एंड सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉट अ सिंगल नॉट यूज सिंगल प्रोडक्ट एक्सेप्ट दैट दैट ब्रिंग्स अ प्रोडक्ट, कोई भी सिंगल यूज प्रोडक्ट नहीं होता है, हमारे पास जो एसेट्स है जो कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं। उसके बाद में अगर हम देखेंगे कंपेंसेशन विल पुश यू आउट इफ यू आर नॉट एक्टिव, अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो कंपेंसेशन हम लोगों को बाहर, मतलब कंपटीशन जो है हेवी कंपटीशन वो हम लोगों को बाहर निकाल के फेंक देगा। योर स्ट्रक्चर बीइंग इटसेल्फ एंड लेवल यू आर एक्टिव, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम एक्टिव है तो हमारा स्ट्रक्चर हम लोगों को ऊपर लाता जाएगा और यहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं है, MLCI में कोई दबाव हमारे पास नहीं रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट द पिक्चर ऑफ मिलियन डॉलर, ये पिक्चर को मैं बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि ये पिक्चर देखिए कि MLM एंड MLCI का डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया, ये पिक्चर ही सब कुछ बोल देता है। MLM में क्या हो रहा है द पीपल हु ओन द कंपनी, जो पर्सन से कंपनी को ओन किए हैं या जिसकी कंपनी है वो एक सर्कल में यहाँ पे आपको दिखेंगे और हम सब लोग, हम और आप लोग जो है कंपनी के बाहर है, कंपनी हमारी हम कहते हैं लेकिन हमारी होती नहीं है। उसके अपोजिट अगर देखा जाएगा ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में MLM में देखेंगे हम बाहर रहते हैं, पीपल हु ओन द कंपनी, लेकिन MLCI मॉड्यूल देखिए बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इट्स अ माई कंपनी, आप भी यही कहेंगे इट्स अ माई कंपनी, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारी कंपनी है, ये हमारी खुद की कंपनी है। एक पिक्चर काफी है, यहाँ पे हमें डिफरेंसेस पता चलेंगे MLM एंड MLCI, हाउ टू सेट योर बिजनेस फॉर सक्सेस, हमें अपना बिजनेस सक्सेस के लिए कैसे सेट करना है, ये ट्रेनिंग काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर फाइनेंशियल एंड लिटरेसी एजुकेशन जो दुनिया को दे रही है उसमें से काफी हमें सीक्रेट्स मिल रहा है, तो
तो चलिए हमें अपना रिमिनेशन प्लान, रिमिनेशन का मतलब क्या है, देखो पारिश्रमिक कंपनसेटरी प्लान है, यूनिक प्लान है, तो हम प्लान के बारे में अभी जानेंगे। तो करियर अपॉर्चुनिटीज, इस बिजनेस को मैं एज अ करियर ले रहा हूँ, राइट। मेरे साथ में काफी सारे दोस्त हैं, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, एज अ करियर ले रहे हैं, एज अ करियर। आई एम अ डॉक्टर, मेरा डॉक्टर मेरा करियर मेरा पेशा है, लेकिन मैं उससे भी इस बिजनेस को भी मेरे करियर के जैसा लेता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे मेरे 6 मंथ या 1 ईयर 2 ईयर का प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं बाहर निकलूंगा, मैं रिटायर होके निकलूंगा, मैं फ्रीडम होके निकलूंगा। तो करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिलता है पार्टनर, मतलब जो वेरियस रैंक है यहाँ पे, वेरियस स्टेटसेस है। पार्टनर फर्स्ट, जहाँ पे 30 to 200 मिनट का अगर हमारा ईआरपी अगर बाय किए हैं तो हम पार्टनर बनते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट रैंक है एजेंट, कंसल्टेंट, मैनेजर, लीडर मैनेजर, टॉप मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे बिकॉज टाइम की मर्यादा है, वक्त किसी का गुलाम नहीं होता और थोड़ा सा वक्त की पाबंदी है मेरे पास। तो आगे चलेंगे एजेंट स्ट्रक्चर, एजेंट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एजेंट स्ट्रक्चर, एजेंट बनने के लिए इस सो कॉल्ड, आज अगर कौशल अगर ज्वाइन होता है, राइट, तो एजेंट स्ट्रक्चर के लिए उसको 200 यूनिट्स का पर्सनल इन्वेस्टमेंट इज मैंडेटरी। वहाँ पे ईआईपी बाई करना मैंडेटरी होता है, रिक्वायर्ड स्टेटस एजेंट है। क्वालिफिकेशन के लिए टू मेक अ पर्सनल परचेज 200 यूनिट का, इट इज नेसेसरी टू पर्सनली अट्रैक्ट टू पार्टनर्स ईच मेकिंग परचेज ऑफ 200 यूनिट। जैसे हमने 200 यूनिट का ईआईपी बाई किया, मतलब या पर्सनल परचेज किया, हमारे साथ में हमारे दो दोस्त रहते हैं जो आकाश एंड बबलू, दोनों ने अगर ईआईपी बाई किए तो हम पार्टनर स्टेटस से हम एजेंट बन जाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे का सबको पता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट थोड़ा सा अगला पायदान है, एक नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पे। तो कंसल्टेंट के लिए हमें मैंडेटरी क्या होता है, हमें टू टाइप के वेरियस प्रमोशन है। ये जो हमारा ये बेस बेस प्रमोशन है, बेसलाइन का प्रमोशन है, जो हमेशा से चलता आया है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से सेम प्रमोशन चलता आया है। ये जो मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज है, ये सेम चलता आया है। क्वालिफिकेशन कंडीशन के लिए हम लोगों को कंडीशन कंसल्टेंट अगर बनना है तो मुझे पर्सनल परचेज 500 यूनिट्स या मोर की करनी चाहिए, और साथ ही में मुझे 4 एजेंट्स की जरूरत है। 2 एजेंट्स मेरे फ्रंट लाइन में रहेंगे, मतलब मेरे फर्स्ट लाइन में रहेंगे, एंड टू टू एजेंट्स फर्स्ट लाइन में कौन रहता है, जिसको मैं पर्सनली अट्रैक्ट करता हूँ, और साथ में 2 एजेंट्स जो रहेंगे वो इनडायरेक्ट रहेंगे, यानी कि इन द डेप्थ रहेंगे, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल पे। तो कंसल्टेंट काफी सारे कंसल्टेंट हमें इंडिया में मिलेंगे, वर्ल्ड में मिलेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट रैंक जो है, नेक्स्ट स्टेटस जो है वो मैनेजर। मैनेजर स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी सारे लोग इसको स्ट्रगल कर रहे थे। वो माय ड्रीम वाज, मेरा भी सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं मैनेजर बनना इन शॉर्ट टाइम। तो क्वालिफिकेशन कंडीशन के लिए क्या होती है यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड स्टेटस मैनेजर, मैनेजर बनने के लिए हम लोगों को मिनिमम पर्सनल परचेज 1000 यूनिट का करना चाहिए। मिनिमम 1000 यूनिट का पर्सनल परचेज, मतलब हमें ज्ञान लेना है, एजुकेशन लेना है। इट इज नेसेसरी टू अट्रैक्ट फॉर कंसल्टेंट, एक करियर अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब गया तो शाम तक, नहीं तो शाम तक, ऐसा कोई चीजें नहीं है। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली डिजाइन किया गया है, और हमारा जर्नी भी स्लो स्टडी एंड स्टैग्नेशन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो फॉर कंसल्टेंट हमको मिलता है, उसके साथ फॉर कंसल्टेंट हमें अट्रैक्ट करना है। टू कंसल्टेंट जो है वो डायरेक्ट हो, यानी कि फर्स्ट लाइन जो हो, यानी कि पर्सनल अट्रैक्टेड हो, एंड टू कंसल्टेंट थर्ड एंड फोर्थ लाइन से हो। तो चलिए मैनेजर के बाद में हम लोग चलेंगे मार्केटिंग प्लान फेज टू। अभी मार्केटिंग का प्लान तो फेज वन हमने जाने हैं कि हमें स्ट्रक्चर कैसे लगाना है। अभी यहाँ से फेज टू में हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, हमको क्या मिलता है, हमको कैसे मिलेगा, हमारा जो परिश्रमिक है, यानी कि कंपनसेशन बोनसेस हमको कैसे मिलते हैं। ऊपर के रो में आप देखेंगे तो पार्टनर, एजेंट, कंसल्टेंट, मैनेजर, लीडर मैनेजर, टॉप मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग पर्सनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ एंड मोर। तो पार्टनर को फर्स्ट लेवल, अगर मैं फर्स्ट पर्सन, मैं जो आदित्य को अट्रैक्ट करता हूँ फर्स्ट लेवल में, तो उसको वहाँ पे 8% मुझे 8% बोनसेस मिलेंगे अट्रैक्ट करने के इसके लिए, राइट। तो एजेंट को भी 8% मिलेंगे, कंसल्टेंट को भी 8% मिलेंगे, अप टू द प्रेसिडेंट, फ्रॉम द पार्टनर टू द प्रेसिडेंट 8% मिलेंगे। अभी सेकंड लेवल में अगर कोई आता है, सेकंड लेवल में, सेकंड लेवल लाइक आदित्य ने रेफर किया, या आदित्य ने
एसोसिएट किया एक मतलब बबलू को, राइट। तो बबलू विल बी एट सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल में बबलू जी रहेंगे। तो बबलू जी जब आते हैं तो आदित्य जी को 8% मिलेगा, एंड मैं जो मतलब रहूंगा, मैंने स्पॉन्सर किया आदित्य जी को, तो मुझे वहां पे 7% मिलेगा। अगर मैं पार्टनर हूँ तो मुझे 5% मिलेगा, एजेंट हूँ तो 7% मिलेगा, एजेंट से लेकर प्रेसिडेंट तक 7%। सी, तो रैंक बढ़ाने का ब्यूटी क्या है, अगर आप थक गए हो मतलब घूम घूम के हर जगह पे, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में एंड सच में एज अ करियर कुछ करना चाहते हैं, तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस पार्टनर एंड एजेंट में 2% का डिफरेंस है। तो वैसे आगे चलते थर्ड परसेंट में अगर मैं सिर्फ पार्टनर ही हूँ एंड बबलू ने रेफर किया चंद्रू को, तो चंद्रू जब इन होते हैं तो मुझे 3% मिलेगा, बबलू जी को 5% मिलेगा, आदित्य जी को 8% 3% मिलेगा, राइट। तो दिस इज द मतलब ऐसे रिड्यूस होता जा रहा है, लेकिन अप टू द प्रेसिडेंट आप देखेंगे तो 5% रहेगा। अगर मैं एजेंट रहता तो 4% मिलता, अगर मैं कंसल्टेंट रहता तो 5% मिलता। पार्टनर को थर्ड लेवल के बाद में कोई इनकम नहीं मिलेगा, ये कंपेंसेटरी प्लान है। यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है सिस्टमेटिकली एज अ सेट में फिक्स किए गए हैं। सिक्स एंड मोर लेग के बारे में ब्यूटी क्या है, ये ब्यूटी हम लोगों को पता है, इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इन्वॉल्व होना जरूर, उतना इजी चीजें नहीं है, राइट। तो चलिए हम आगे चलते हैं, एक्सप्रेस बोनस फॉर क्वालिफिकेशन प्रमोशन, इसके बारे में मैं खास करके बताना चाहता था कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें हमारे सीईओ ने, हमें हमारी कंपनी ने दी हुई है, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही खूबसूरत है, काफी सारे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। एजेंट जब हम बनते हैं, मैं एजेंट जब बनूंगा, एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन में एजेंट कैसे बनना है ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे डू यू वांट टू गेट एन एडिशनल बोनस, ये कंपेंसेटरी, यहाँ पे एडिशनली मिलता जाता है। जैसे मेरे जॉब में मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिलता है पे आउट, अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा तो, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली थोड़ा सा प्लान करके अगर कुछ करते हैं, तो यहाँ पे 350 यूनिट से लेकर 134,000 यूनिट्स तक हमको बेनिफिट मिलता है। एक्सप्रेस क्वालिफिकेशन अभी स्टार्ट है एंड उतना डिफिकल्टी नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। एक बार अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो काफी इजी रहेगा और काफी मजा आएगा। एजेंट जैसे हम वहाँ पे एजेंट बनते हैं तो आगे चलेंगे 350 से लेकर 100 उतना हमको बोनस मिलेगा। तो एक्सप्रेस बोनस इज फॉर क्वालिफिकेशन प्रमोशन, गोल ऑफ द प्रमोशन हेल्प पार्टनर्स इन द फर्स्ट लाइन इंक्रीज द स्टेटस। हमें अपने फर्स्ट लाइन के जो पार्टनर्स हैं, ये जो कंपेंसेटरी प्लान है, कंपेंसेटरी प्रमोशंस है, यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन की प्रमोशंस को कंटिन्यूअसली उन पे फोकस करना है। स्टार्ट ऑफ द प्रमोशन 30th मार्च 2020 को स्टार्ट हुआ। ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट बोथ न्यू एज वेल एज ओल्ड, जो पहले रजिस्टर किए वो भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं, और जो अभी रजिस्टर करेंगे उन लोगों के लिए इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पर्सनल वैल्यूम जो है वो कंसिडर होता है 31st December 2020 तक, वहां तक जो है ये मतलब कैलकुलेशन होगा। प्रीवियसली रजिस्टर्ड पार्टनर्स एंड न्यू रजिस्टर्ड पार्टनर्स दोनों के लिए अलग अलग जो कंपनसेटरी या क्वालिफिकेशन प्रमोशन बोनसेस है ये अलाउ किया जाता है। अभी मैंने जो बेसलाइन का प्लान आपको बता दिया, बेसलाइन में 4 एजेंट्स का मैंडेटरी था, 2 पार्टनर्स हमें लगते थे एजेंट बनने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें 5 पार्टनर्स लगते हैं। तो यहाँ पे भी सेम प्रीमियम परचेज जो है वो 200 यूनिट का होना चाहिए। नंबर ऑफ द न्यू क्वालिफाइड पार्टनर्स इन द फर्स्ट लाइन 30 मार्च 2020 से लेकर एक सेट ऑफ द 39 डेज का टाइम है। 39 डेज के टाइम में जिन जिन लोगों ने 5 पार्टनर्स को अट्रैक्ट किया अपने खास हॉटलाइन के दोस्तों को, उनको 350 यूनिट एज अ बोनस मिला, एज अ एक्स्ट्रा मिला। जो कंपेंसेटरी प्लान से मिला वो अलग चीज है, वो एडिशनल थी, लेकिन उसके साथ में बोनस 350 यूनिट का मिला। सी उसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कितना था 200 यूनिट, उसके साथ में उनको मिला कितना 350 माइनस 200 150 प्रॉफिट में रहेंगे। उसके साथ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारी सीआरई को, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के पॉइंट्स को हम ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे, वो भी हमारे यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो रैंक है या नेक्स्ट स्टेटस है, काफी सारे लोग हैं जो एजेंट कंसल्टेंट अभी इसमें से बन रहे हैं, उन लोगों को मजा आ रहा है। तो कंसल्टेंट में क्या होता है, स्टेटस हमें कंसल्टेंट अचीव करना है, पर्सनल वैल्यू 500 यूनिट होनी चाहिए जितनी वहां पे थी,
न्यू क्वालिफाइड पार्टनर्स हमारे यहाँ पे जो होंगे, यहाँ पे फाइव पार्टनर्स लगते थे, यहाँ पे फाइव एजेंट्स लगेंगे। और डेडलाइन ऑफ द कम्पलीटिव, इसमें जो डेडलाइन का टाइमिंग है वो 64 डेज का था। एंड बोनसेस यहाँ पे जो मिलेगा 800 यूनिट का एडिशनल बोनस हम लोगों को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजर, मैनेजर का सेम स्टेटस, मैनेजर पर्सनल वैल्यू 1000। ये जो 5x ट्रायल है, यहाँ से एक्सप्रेस जो है हमें अपने 5 खास, उससे भी बढ़िया कोई मौका नहीं है कि हम जिसे चाहते हैं अपने 5 दोस्तों के साथ में आगे बढ़े और साथ में सबका बेनिफिट हो। भी सबसे बेहतरीन ड्यूटी इस क्वालिफिकेशन की है। मैनेजर, मुझे मैनेजर बनना है तो पर्सनल वैल्यू मिनिमम 1000 यूनिट एंड अबव, जितना पहले था उतना ही यहाँ पे भी लगेगा। नंबर ऑफ न्यू क्वालिफिकेशन पार्टनर फर्स्ट लाइन में हमें 5 कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, 5 कंसल्टेंट हम लोगों को लगेंगे। डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग द कंडीशन, एक तो 14 दिन का डेडलाइन है, उसको जो बोनस मिलेगा 1700 यूनिट, 1700 यूनिट उसको बोनस मिलेगा अपार्ट फ्रॉम, मतलब जो उन्हें बेनिफिट हुआ उसके अलावा ये बोनसेस कहलाएंगे। तो लीडर मैनेजर, सेम लीडर मैनेजर का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अगर मुझे लीडर मैनेजर बनना है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं लीडर मैनेजर और काफ़ी सारे इंडिया के वर्ल्ड के पीपल है, तो लीडर मैनेजर बनने के लिए मुझे पर्सनल वैल्यूम जो है वो 2500 यूनिट मुझे पर्सनल अट्रैक्ट, मुझे पर्सनल परचेज करना है। नंबर ऑफ द न्यू क्वालिफाइड पार्टनर्स इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में जो हमारे पार्टनर्स होंगे वो 5 मैनेजर्स होंगे। डेडलाइन, इसके लिए जो डेडलाइन मिला है 125 दिन, कितना खूबसूरत से डिजाइन किया गया है राइट। हम करियर को कैसे लेते हैं राइट, पहले हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे, सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे, पहले मैनेजर बनेंगे, मतलब बाहर की दुनिया में भी ऐसे होता है, फिर टीम लीडर बनेंगे, फिर बाद में हम लोग ब्रांच का हेड बनेंगे, उसके बाद में कुछ और बनेंगे। लेकिन जिंदगी पूरी दुनिया चली जाती है, हमें पता भी नहीं होता कि हम बूढ़े कब हो गए, रिटायरमेंट कब हो गए, उसके बाद में हमारी जिंदगी जो है बस खत्म हो जाता है राइट। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट टाइम में हमारा पूरा करियर सेट करने का मौका या एक अपॉर्चुनिटी हमें कंपनी यहाँ पे दे रही है। लीडर मैनेजर को जो बोनस मिलता है, बिलीव नहीं कर पाओगे, 4000 यूनिट को आप इंडियन में डिवाइड कीजिए, आप देखेंगे आपको पता चलेगा उतना काम नहीं है ये, मतलब कमाने के लिए कि जितना हम बाहर करते हैं, बाहर की दुनिया में हम काम ही तो कर रहे हैं राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजर के लिए भी सेम, इफ आई हमें अपने 5 खास दोस्तों को लेके डुप्लीकेट करके जाना है तो स्टेटस टॉप मैनेजर, पर्सनल वैल्यूम जो है वो 5000 यूनिट्स के पर्सनल वैल्यूम हो। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा मेरा पर्सनल वैल्यूम 5000 यूनिट का है, लेकिन जब मुझे बोनस मिलेगा तो 8000 यूनिट का मिलेगा। 8000 यूनिट मतलब 3000 यूनिट प्लस वहाँ पे प्रॉफिट में हम रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर बार मिलता जाएगा। तो आगे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है पर्सनल वैल्यूम 8000 यूनिट की है। नंबर ऑफ न्यू क्वालिफाइड पार्टनर इन द फर्स्ट लाइन, वहाँ पे भी हमें 4 टॉप मैनेजर्स लगेंगे, अब तक 5 लग रहे थे, अभी हमें 4 लगेंगे। तो डेडलाइन फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ द कंडीशन, ये कंडीशन के लिए हमें 175 डेज का टाइम मिलेगा और जो बोनस मिलेगा डियर फ्रेंड्स 15000 यूनिट, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे ये बोनस 350 से लेकर 15000 यूनिट तक कब आया ये हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्वमेंट इज द बेस्ट थिंग, यहाँ पे अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो हमें ये चीज पता चलेगी। तो सेम प्रेसिडेंट, अब स्टेटस अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो पर्सनल वैल्यू 15000 यूनिट का जरूरी है। नंबर ऑफ द न्यू क्वालिफाइड पार्टनर्स फर्स्ट लाइन में जो लगेंगे तो 30 मार्च 2000 से लेकर 2 वाइस प्रेसिडेंट लगेंगे और 3 फर्स्ट लाइन में दो, अगर 2 वाइस प्रेसिडेंट अगर हम बनते हैं तो 20000 यूनिट मिलेगा। डेडलाइन जो है वो 200 डेज का है और एडिशनल अगर 3 वाइस प्रेसिडेंट हम करते हैं तो प्लस 30000 यूनिट मिलेगा, मतलब 20 + 30 = 50000 यूनिट प्रेसिडेंट को मिलता है और जो टाइम कंडीशन है वो 225 डेज। तो चलिए आगे चलते हैं। सी मतलब जो उनको बेनिफिट मिल रहा है वो कितना मिलता है, तो 2 प्रेसिडेंट बोनस उसके बाद में वापस अगर देखे जाएंगे तो प्रेसिडेंट का स्टेटस मैंने आपको अभी बता दिया। तो क्रिएट, यहाँ पे एक टास्क मैं आपको दूंगा, कंपनी हमें टास्क देती है वही
तेज 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 सुबह से लेकर शाम तक वही चीजें हमारी जिंदगी में हो रही है। काफी सारे लोगों को लगता होगा कि हर वीक हम वही सुनते हैं, हर वीक हमें वही सुनते हैं, हर वीक हमें वही सुनने को मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइफ सुनने से नहीं बदलती, लाइफ करने से बदलती है। आपके बच्चे या मेरा बच्चा भी, मैं जो बोलूंगा वो नहीं सुनेगा, मैं जो एक्शन करूंगा वो करेगा, डुप्लीकेट होता है। तो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल क्लाइंट। तो हमें इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स मिलता है या कुछ टास्क मिल रहा है। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत से डिजाइन किया गया है चेकलिस्ट, एक क्लाइंट लिस्ट है, तो इसके अकॉर्डिंगली नंबर, डेट और नेम एंड सरनेम के साथ में वो तो क्या करते हैं, फोन नंबर, ईमेल आईडी, स्काइप, वेयर कम्युनिकेटेड, हम कहाँ मिले थे, द प्रोसेस कैसी है, मीटिंग पार्टनर एंड अमाउंट। तो हर चीज यहाँ पे सक्सेसफुली बनाई गई है, उसको प्रिंट आउट निकालना है और लिस्ट को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाना है। जो एजुकेशन हमें मैराथन में मिलता है, वही खूबसूरत एजुकेशन हम लोगों को यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हाउ टू सेलेक्ट अ कैंडिडेट फॉर योर बिजनेस, मेरे बिजनेस के लिए मुझे कैंडिडेट्स कैसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे चेकलिस्ट दिया गया है 20 चेक्स की। तो द क्लोजेस्ट ऑफ पीपल, हॉट मार्केट है, वार्म मार्केट है, रिकमेंडेशन इन न्यूज पेपर एड्स, काफी सारे मतलब बताया गया है, इंटरनेट का पब्लिकेशन है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, राइट। आज देखिए जो जमाना बदला है, मतलब पूरा चीज है ना ईमेल से आई हुई है, पहले मेल भेजते थे अभी ईमेल भेज रहे हैं, पहले कैश यूज करते थे अभी ई कैश यूज करते हैं, सेम लाइक पहले वर्क करते थे तो अभी स्मार्ट वर्क करना होता है। फिर 20 अलग अलग टेक्निक हमें दी गई है, एड्स ऑन द एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स है, एलिवेटर्स में लगाना, मुंबई में गए, मुंबई मेरे महाराष्ट्र में लोगों को पता चलता है, पुणे मुंबई में काफी सारे एड्स हम लोगों को एलिवेटर्स पे देखने को मिलते हैं, सर्वेज इन द कंपनीज, एडवर्टाइजिंग, रेडियो, न्यूज पेपर, अलग अलग जगह पे विजिटिंग है, एग्जीबिशन में विजिट करना, इंटरनेट मार्केटिंग है, वेरियस बहुत सारे मौके हमारे पास मिलते हैं। तो ये सारी चीजों का 20 मेथड है हमें हमें जो कस्टमर हमको मिलेगा या हम अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लाइफ, मैंने पहले कहा द लाइफ विदाउट गोल इज लाइक अ फ्रूट विदाउट सीड। तो यहाँ पे हमें प्लान सेट करना है, डिजाइन करना है, 10 डेज, 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज का हमें गोल सेट करना है। 10 डेज में क्या करना है, ड्रीम में ड्रीम बनाना है। मैं बहुत बार कहता हूँ ताजमहल, जिसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड ग्लोरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, आज काफी सारे लोगों ने ताजमहल नहीं देखा। तो ताजमहल देखना भी किसी का गोल हो सकता है, एक फोर व्हीलर कार लेना भी किसी का गोल हो सकता है, या किसी का सपना, ड्रीम हो सकता है, बच्चों को अच्छा स्कूल में एजुकेशन देना भी किसी का ड्रीम हो सकता है। तो हमें पैशनेटली, ऑनेस्टली, ईमानदारी से ये 10 डेज में क्या करना है, तो ड्रीम सेट करना है, लिस्ट ऑफ द क्लाइंट हमें एक लिस्ट बनानी है, एंड प्रिविलेज इन्वेस्टमेंट है 1000 यूनिट बिलो प्लस मोर और इक्वल का हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। क्रिएट अ प्लान फॉर 90 डेज, ये 10 डेज में हमें 90 डेज का प्लान करना है। अगर हम प्लान सही से करेंगे तो हमारा प्लान भी काम सही से करेगा। रीड 1 बुक अबाउट MLM बिजनेस एवरी 2 वीक्स, तो हर 2 हफ्ते में हमें एक किताब पढ़नी है। अम्बेडकर जी ने कहा है, दोस्ती करना है तो किताबों से करो, इन हसीनाओं में क्या रखा है, राइट। तो स्टडी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें सीखना है। 30 डेज में हम कंसल्टेंट बनेंगे, हमें प्लान डिजाइन करना है, विदिन 30 डेज हमें कंसल्टेंट बनना है। स्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट 5000 यूनिट प्लस होना चाहिए एंड 3 to 5000 यूनिट तक का होना चाहिए। बोनसेस 300 से लेकर 1000 यूनिट तक बोनस हमको विदिन 30 डेज मिलेगा। आज 1000 यूनिट इन द सेंस इंडियन रुपीज में देखा जाएंगे तो 70 to 80,000 rupees विद इन अ मंथ, ये बहुत ही ह्यूज इनकम है अगर प्लान करेंगे तो। आई एजेंट हमें बनाने हैं और साथ ही में प्राइवेट रेंडेजेस प्रेजेंटेशन हमें कंटिन्यूसली प्रेजेंटेशन करना है। 30 डेज में मिनिमम 50, मैक्स टू मैक्स 150 तक हमको प्रेजेंटेशन करना है। फिर 60 डेज का भी हमें प्लान बनाना है और 90 डेज का भी हमें प्लान बनाना है। अकॉर्डिंग टू अगर ड्रीम बोर्ड, अकॉर्डिंग टू अगर एक आग लगा के चलेंगे ना, 90 डेज के अंत में हमें मिलेगा मैनेजर, 20 कंसल्टेंट हमारे इसमें रहेंगे एंड अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, स्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, 20,000+ यूनिट होता है और हमें मीटिंग, हमारी मीटिंग इंडिविजुअल नहीं करते। देखिए यहाँ पे रेंटिटेज मीटिंग विद इन स्ट्रक्चर 2000 मीटिंग हो जाते हैं 90 डेज में। एक बंदा, मैं या आदित्य या बबलू, कोई भी पॉसिबल नहीं है हर एक बंदे को 2000 लोगों से मिलना। लेकिन एक टीम में पॉसिबल होता है, एक ग्रुप जो है, एक अच्छा हेल्दी लाइक माइंडेड पीपल्स के ग्रुप में ये चीज पॉसिबल
हो जाती है। बोनसेस जो है 1500 to 5000 यूनिट तक का बोनस हम लोगों को मिला हुआ होता है। कॉन्फ्रेंसेस अगर पार्टनर्स अबाउट 30 कंसल्टेंट्स मिल जाते हैं तो काफी सारा चीज यहाँ पे 90 डेज यानी कि 3 महीने का कनेक्शन सिस्टम 90 डेज का जो प्लान कर रहे हैं उनको मिल रहा है। ये प्रूवन थिंग है, ऐसे बुकिश पिक्चर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ओनली किताबों में लिखा हुआ नहीं बता रहा हूँ, ये प्रूवन है। काफी सारे लोग है इंडिया में भी है ओवरसीज में भी है, ये सारी चीजें हो चुकी है। तो चलिए 8 क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू लीडर हम जानेंगे। सबसे पहला कि लीडर कैसे बनना, एक ट्रू लीडर सच्चा लीडर बनना, क्वालिटीज इंसान की जो पहचान है ना वो क्वालिटीज से होती है। आपको आपकी सोसाइटी, आपको आने वाले लोग जो भी हैं, आपकी सराउंडिंग जो है वो तो क्वालिटीज से हमको पहचानते हैं। सच्चे लीडर के 8 क्वालिटीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे काफी खुशी होगी, ये मेरा लर्निंग टीचिंग प्रोसेस हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही मैं आपसे भी काफी सारी चीजें सीख रहा हूँ। द लर्न अबाउट प्रोडक्ट कंपनी बिजनेस इनसाइड आउटसाइड एंड अंडरस्टैंड ऑल प्रोडक्ट एंड ऑफर्स। मैं आपसे कहूंगा कि सच्चा लीडर वही होता है जो मैक्सिमम वेबिनार ज्वाइन करे, मैक्सिमम मीटिंग्स ज्वाइन करे और सीखना चाहिए। लर्निंग नॉलेज इज लाइक ओशियन, महासागर के जैसा होता है नॉलेज, नॉलेज जितना सीखेंगे उतना कम है। तो मैक्सिमम हमें अपने प्रोडक्ट, अपने कंपनी, अपने बिजनेस के बारे में सीखते जाना है। डेवलप ओन क्लाइंट बेस एंड हेल्प ऑफ द पार्टनर्स, डुप्लीकेशन। मेरे महागुरु जी मिस्टर हरि सर जी हमेशा कहते हैं एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड डुप्लीकेशन। एजुकेशन का वैल्यू मल्टी इम्प्लीमेंटेशन में होता है, इम्प्लीमेंटेशन का वैल्यू डुप्लीकेशन में होता है। हमारा ओन क्लाइंट बेस ये करना है और डुप्लीकेशन हमें करना है अपने टीम के साथ में। मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशन ऑन द रेगुलर बेसिस, 500 से लेकर 500 and 1000 मीटिंग पर मंथ, 500 पीपल्स 100 मीटिंग पर मंथ होना चाहिए। क्वालिटीज रहता है लीडर्स का 100 to 200 प्रेजेंटेशन पर मंथ। अटेंड ऑल ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज, जितना वेबिनार देखेंगे ये नॉलेज का नशा ही उतना है। मैंने यहाँ पे न्यू में देखा कि लिटरेसी का नशा, आज तक हर चीज के नशे, हम लोग अलग अलग चीजें पता होता है लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मजा है, जो नशा है, हमें यहाँ पे आने के बाद में पता चला। ऑल ट्रेनिंग एंड कॉन्फ्रेंसेज हमको अटेंड करना है। लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट ऑन डेली बेसिस, हर दिन यस्टरडे से आज का बेहतर होना चाहिए। आई एम द बॉस, आई एम द किंग, और मैं कल से बेहतर हूँ। अपने आप को हर दिन हमें बेहतर बनाना है क्योंकि हमें बनाने के लिए बाजू वाला आने वाला नहीं है, तो अपने को ही बनाना है। लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ अ डेली ऑन अ डेली बेसिस, विलिंगनेस टू ट्राई एंड एक्सप्लोर टू लर्न, हमेशा ट्राई करना चाहिए। आई विल ट्राई। तो परफेक्ट सेंसी कब बनती है, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो परफेक्ट सेंसी बनती है हम लोगों को। उसके बाद में टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सच्चा लीडर वही होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो जिम्मेदारी लेता है। वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 8th एंड लास्ट जो क्वालिटीज है, फॉलो द सिस्टम, एक सिस्टम बनाया है MLCI मॉड्यूल ने, बहुत अच्छा खूबसूरत सिस्टम अच्छे अच्छे लोगों को लेकर बनाया हुआ है, वो सिस्टम हमको फॉलो करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट, आगे क्या, रजिस्टर कीजिए अगर आज तक नहीं किए तो, डू द वेरिफिकेशन अगर आज तक नहीं किए तो, लर्न हाउ टू यूज योर बैक ऑफिस को यूज कैसे करना। मुझे बहुत ही मतलब अजीब लगता है, काफी सारे लोगों ने खुद का खुद पैसे डाले, खुद बाय किया, आज तक अपना बैक ऑफिस यूज नहीं किया। तो बैक ऑफिस यूज करने के लिए सीखिए, बैक ऑफिस में वेरियस कॉलम्स है, वो सारे कॉलम्स को हमें स्टडी करना है। चूज योर एजुकेशनल पैकेज एंड स्टार्ट लर्निंग। EIP जो है एजुकेशन जो पैकेज होता है उसको हमें मतलब सीखना है, लर्निंग करना है। फिट योर कॉन्टैक्ट लिस्ट 1000 पीपल इफ यू कैन, अगर आप चाहते हैं तो। आइडेंटिफाई द टॉप 10 पीपल यू कॉल एंड स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप। पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आजकल काफी सारे यूनिवर्सिटीज में एक टॉपिक ऐड किया गया है, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ फीस देनी पड़ रही है और यहाँ पे हमारा पर्सनल डेवलपमेंट एक टीम के साथ में हो रहा है। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करके हमें पीपल को हाउ टू कॉल, लिस्ट कैसा बनाना, इनवाइटिफाई पीपल टू अ मीटिंग ऑनलाइन, माइक्रो प्रेजेंटेशन विद योर मेंटर स्पॉन्सर के साथ में प्रेजेंटेशन कीजिए, रीड द बुक्स बाय अ फास्टर बुक, यू एंड आई डिड यू ट्वाइस, ऐसे अलग अलग बुक्स है। इंडिया में तो काफी सारे बुक्स हिंदी में भी है, मराठी में भी है, वो तो सारे बुक्स हम पढ़ सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड, आप किताबों को पढ़ेंगे ना तो आपको किताबें खामोश बैठने के लिए नहीं देगी,
किताबें ऐसे ऊर्जा निर्माण करेगी आप में कि आप एक आग बन जाओगे, और बाद में जो मतलब हमारा जो ये है, मतलब हमें जो कामयाबी करनी हो, किताबें हमें खामोश बैठने के लिए नहीं देंगी। तो इसके साथ में हम आगे चलेंगे। ट्यूसडे के दिन वेबिनार होना, ट्यूसडे आने वाला ट्यूसडे, प्रेजेंटेशन प्लस बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन है, उसको मिस ना करें। टॉपिक्स आर्ट रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, फाइनेंशियल प्लान, कैपिटलाइजेशन, व्हाट डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लिव ड्रीम्स इन अ थ्री मंथ, योर एक्शन, नेक्स्ट स्टेप। 8 बजे वेंसडे के ट्यूसडे के दिन हमारा प्रेजेंटेशन प्लस बेसिक फाइनेंशियल होने वाला है। लीडर्स, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैंने काफी तेजी से, लाइक मुझे ऐसा लगा ना कि आज हम लोग एक मैराथन कर रहे हैं, मतलब मैं भाग रहा हूँ आपके साथ में। तो क्यों ऐसे किए, क्योंकि देखिए टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था। मैं जानता हूँ इंडिया में जो लोग हैं हमारे काफी, मतलब इंडिया में जो लोग हैं आज खाने का टाइम है तो बगैर खाए बैठे हुए, इसलिए मैंने थोड़ा काफी तेजी से उसको ये कर दिया है। तो आपको कैसा लगे वो बता दीजिए। और हैरी सर भी मेरे साथ में थे, मुझे काफी खुशी हुई कि आज आज का जो वेबिनार था वो हैरी सर के साथ में हमने किया। आज फ्रेंडशिप डे भी है, काफी सारे नए दोस्त हैं अपने। तो मैं अल्ताफ, वाइस प्रेसिडेंट न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी, प्लस मेरे साथ में हरी जी थे, हमारे प्रवीण सर का सहभाग मिला, सहयोग हमें मिला। तो हम लोगों ने आज का एक वेबिनार एक खास था, और हरी सर के सहयोग से काफी मजा आया, काफी सारी चीजें उन्होंने हमें बताया। हम सबके गुरु हैं और बहुत सारी चीजें हम उनसे सीखते रहते हैं। तो आने वाला वेंसडे मैक्सिमम वेबिनार जो है दिमाग को शांत रख के अटेंड कीजिए। और मैं आपको वही भी, आपको अगर कुछ प्रेजेंट करना है रीजनल लैंग्वेज में, वेरियस वेबिनार्स हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। इंडिया में देखेंगे तो मलयालम में हो रहा है, मराठी में हो रहा है, कन्नड़ा में हो रहा है, साथ में देखेंगे तो तमिली में भी हो रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी होता है। तो जब भी आपको कुछ प्रेजेंट करना है आप हमारे प्रवीण राय जी सर हैं उनसे बात कीजिए। ये कंपनी हमें ओनली फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में, एजुकेशन के साथ में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा मौका देती है। तो यहाँ पे हमें सेल्फ डेवलपमेंट भी हम हो रहे हैं। प्रवीण जी यस सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू अल्ताफ सर, थैंक यू, काफी अच्छा बोला आपने और बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक यू सर, थैंक यू। सर प्लीज अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। यस सर, आई एम डूइंग। सर जी अनेबल टू डू बिकॉज आई एम इन द हॉस्टल एंड लिटिल नेटवर्क इश्यू हियर। इट्स ओके। सो थैंक यू लीडर्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में, थैंक यू अल्ताफ सर।